हाँ जी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब बढ़िया और आपकी जिंदगी चल रही है बढ़िया चल रही है कल का दिन कैसा रहा कल कुछ नया किया हो पढ़ाई के अलावा कल का दिन कैसा रहा कुछ नया किया या सेम चला सेम चला देखो भाई हमारा पूरा जीवन जो है एक एक दिन से बनता है एक एक दिन से जो है बनता है तो एक जो ना प्लानिंग जो हमें करनी है जो मैं कहूँ प्लानिंग तो हमें डेली की जो है करनी चाहिए जैसे आज की प्लानिंग करो आज पूरा दिन आपको कैसे जो है जीना है आज पूरा दिन कैसे जीना है और उसका वही तरीका है एक तो वही आज जितना पढ़ाया जाए भाई आज जो भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं जो जो पढ़ा रहे हैं उतना रिवाइज करना है उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं करना और बैलेंस टाइम पर अपनी लाइफ को एंजॉय भी जो है अपने को करना है ये बहुत 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 ज़रूरी है कल भी एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मैंने तो सुना है सीए के अंदर 10 10 12 12 घंटे पढ़ना जो है पढ़ता है आपके ऊपर है आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं मना जो है नहीं करूंगा पर जो दस दस घंटे बारह बारह घंटे पंद्रह घंटे पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं किताबी कीड़ा बुक वम किताबी कीड़ा और जो कीड़ा होता है ना उसको मसल के साइड में कर दिया जाता है आपको इंसान बनना है या कीड़ा बनना है ये आपको डिसाइड करना है ठीक है तो कहा ना ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि आप किताबी कीड़ा क्यों बनना चाहते भगवान ने आपको इंसान बनाया है पर आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं इंसान में तो मज़ा नहीं आ रहा मैं कीड़ा ही बनकर जो है रह जाऊंगा तो हमें कीड़ा बिल्कुल भी जो है नहीं बनना और इसलिए सिस्टम जो रहता है आप अच्छे से आज की बात करें तो आज जितना पढ़ाया उतना अच्छे से रिवाइज जो है होना चाहिए कल जितना पढ़ाया था उतना आपकी टिप्स पर जो है होना चाहिए तो जितना पढ़ाया बस वो आपकी टिप्स पर हो जाए उसके बाद जितना टाइम आपको मिले जितना इंजॉय कर सकते हो जितना खुलकर इन्जॉय कर सकते हो खुलकर इंजॉय जो है आप कर लो नहीं तो एट दी एंड जो मैं देखता हूँ ना सब लाशें हैं बस कहते हैं अंतिम संस्कार कुछ साल के बाद होगा आजकल लोगों ने जीना ही जो है छोड़ दिया है जीना ही छोड़ दिया आप सबके चेहरे पर देखो मुस्कान ही नहीं है कोई मुस्कुराहट आप सबके चेहरे पर बिल्कुल खत्म हो गई है धीरे-धीरे करते-करते करते बिल्कुल लाशे जो है बन रहे हो तो एक बार मुस्कुरा कर दिखा दो मेरे को देखें कितना मुस्कुरा सकते हो कितना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा और मुस्कुरा कर एक बार दिखाओ हाँ जी थोड़ा सा और एक बार और थोड़ा सा और देखते मुस्कुरा सकते हो कि नहीं मुस्कुरा सकते है? थोड़ा सा और थोड़ा सा और कि चेहरा खिलखिला जाए आपका हाँ जी मुस्कुरा पा रहे हो नहीं मुस्कुरा पा रहे हो देखो आधे बच्चों की तो मुस्कुराहट भी ऐसे होगी खतरनाक सी मुस्कुराहट है मुस्कुरा रहे मुस्कुराओ ऐसा हाँ आपकी मुस्कुराहट जो है हो गई है हे राम क्या होगा आपका तो भाई इसलिए मैं कहूँगा आज से अपना जीवन बदलना है आपने ऑलरेडी अपने सत्रह अठारह साल तो बर्बाद जो है कर ली अभी भी वक्त है अभी भी वक्त है अच्छे से जो है एंजॉय जो है आप करते जो है चले जाओ तो भाई आप चेक करें ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे थोड़ा सा वॉल्यूम जो है बढ़ा दे, बढ़ा दी तो भाई एक तो वही है आज से क्या करना है एक तो जितना पढ़ाया उतना जो है बस आपके टिप्स पर जो है हो रहा है होना चाहिए और उसके बियॉन्ड फिर जितना आपको टाइम मिले तो आपकी जितनी हॉबीज़ हैं म्यूज़िक है डांस है, है जिम जाना है योगा करना है आर्ट एंड क्राफ्ट है जितना जो कर सकते हो दबा कर जो है कर लो और यही शायद मैं कहूँगा मतलब सी का एक फुल फॉर्म क्या होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सी को बोलता हूँ करेक्ट अप्रोच तो मैंने कहा सी वो बनेगा जिसकी करेक्ट अप्रोच है चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बनेगा जिसकी करेक्ट अप्रोच है और करेक्ट अप्रोच वही होता है जो अपनी लाइफ को अच्छे से जो है जी पाए जितना पढ़ना है उतना हम जो है पढ़ेंगे उसके बाद जितना इंजॉय करना है उतना भी हम इंजॉय जो है करेंगे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं फ्यूचर के लिए पढ़ाई क्यों कर रहे हैं फ्यूचर के लिए पर इस फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट हमें जो है ख़राब नहीं करना और मेरे बस जिंदगी वो है जिसको प्रेजेंट जीना आ गया और जो फ्यूचर की तैयारी करना सीख गया वो सक्सेसफुल जो है होगा हो ही होगा जिसको प्रेजेंट में जीना आ गया प्रेजेंट में जीने का मतलब आज अपना अच्छे से इंजॉय करो अगर आप स्पोर्ट्स में आपकी अगर आपकी रुचि है तो भी अपना जो है स्पोर्ट्स में बैडमिंटन क्रिकेट जो आपका मन करे डेली होना तो ये चाहिए डेली जो है ये होना चाहिए आपका म्यूज़िक डांस जिस में भी रुचि है कम से कम एक घंटा तो उसको जो है देना है क्योंकि ये वाली जो कहते हैं ना जब आप स्कूल में थे तो घर वालों ने बड़ा आपको लटका दिया था एक बार बेटा टेंथ हो जाए एक बार बेटा इलेवेंथ हो जाए एक बार बेटा ट्वेल्थ हो जाए और आप अभी तक उल्लू जो है बने पड़े और अब घर वाले क्या करें बस एक बार जो है फाउंडेशन हो जाए उसके बाद तुम्हें जो मन करे वो कर लेना फाउंडेशन होगी फिर क्या बोलेंगे एक बार इंटर हो जाए उसके बाद तुम्हें जो मन करे फिर जो है कर लेना उसके बाद क्या बोलेंगे एक बार बस फाइनल हो जाए उसके बाद तुम्हें जो मन करे वो जो है कर लेना

ऑनलाइन वाले बच्चों सारा काम ठीक चल रहा है लो जी अच्छा बहुत सारे मोटिकल जो है आपके जो है आ गए हैं गुड मॉर्निंग भी जो है आ गए गुड मॉर्निंग फ्रॉम नरवाना नरवाना से आज गुड मॉर्निंग जो है आया है ठीक है चलो ठीक है आ, सारा जो है चलो बढ़िया ठीक है जी चलो तो अब जो है <coughs> वापस जो है आते हैं तो भाई कल हमने शुरू किया था एक पहला सब्जेक्ट सब्जेक्ट का नाम क्या था अकाउंट तो भाई <coughs> कल तो एक ओवरव्यू जो है दिया था साइंस वाले बच्चों के लिए या नॉन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी अकाउंटिंग में होता क्या है जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसके हम क्या करते हैं रिकॉर्डिंग जो है करते हैं और उसके लिए पहले क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है मोरलेस चार चीज़ों में क्लासीफाई होगा या तो हम एसेट खरीदेंगे या हम एक्सपेंस इनकर करेंगे या कोई लाइबिलिटी इनकर होगी या फिर क्या होगा कोई इनकम जनरेट जो है करेंगे अगर एसेट खरीदते हैं तो उस एसेट अकाउंट को क्या करते हैं डेबिट जो है करते है, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट एसेट घटेगा तो क्रेडिट ऐसे ही लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट जो है होगा और जो एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करना है और जो इनकम है उसको क्या करना है क्रेडिट जो है करना है तो भी जर्नल एंट्री सब कुछ पढ़ेंगे पर एक ओवरव्यू कल जो है दिया था तो हम पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं और जो जो अकाउंट खोलते हैं उनका एक पूरा अकाउंट जो है बनता है जिसको क्या बोलते हैं लेजर अकाउंट तो एक लेजर अकाउंट उसको कहते हैं अकाउंट हमने बनाया अकाउंट के बाद फिर बैलेंस कैरे डाउन निकालते हैं और उसके बाद जो भी एसेट और लाइबिलिटी उनके बैलेंसिस कहा जाते हैं बैलेंस शीट में एक्सपेंस और इनकम उसके बैलेंसेस कहाँ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है तो चलो अब जो है शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा, तो आज कोर्स कंटेंट जो है एक बार लिख लेते हैं, हमें फाउंडेशन अकाउंट्स में आखिर क्या क्या पढ़ना है कोर्स कंटेंट <laughs> तो भाई हमें कोर्स कंटेंट में क्या क्या जो है पढ़ना है लो जी तो भाई कोर्स कंटेंट की बात करें तो भाई हमारा पहला चैप्टर अपने को जो पढ़ना है वो है थियोरी बेसिक थियोरी अकाउंट्स किसको बोलते हैं अकाउंटिंग किसको कहते हैं बुक कीपिंग क्या होती है अकाउंटेंसी क्या होता है ये सारी चीज़ें अपने को जो है पढ़नी है तो बेसिक उस थ्योरी पढ़ेंगे जो पेपर में पाँच से दस नंबर की जो है आएगा ठीक है जी उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन का सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस तो अकाउंटिंग प्रोसेस में अपने को डिटेल में पढ़ना है वही सबसे पहले क्या बनाते हैं जर्नल एंट्रीज तो भाई सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते तो चैप्टर भी है फिर से देख लेंगे जर्नल कैसे बनता है अच्छे से कैसे बनता है जर्नल के बाद फिर क्या बनाते हैं लेजर्स बनाते हैं तो भी चेक करेंगे वो कैसे बनना है उसके बाद फिर क्या बनाते हैं ट्रायल बैलेंस तो भाई ट्रायल बैलेंस जो है आपने बनाते, ये अपने बनाते जो है सीखना है उसके बाद फिर आपने को सब्सिडरी बुक्स नाम को सुना होगा तो उसमें क्या सीखते हो परचेज बुक फिर हम परचेज बुक बनाना जो है अपन सीखेंगे और हम क्या सीखेंगे सेल्स बुक फिर हम सेल्स बुक बनाना जो है सीखेंगे फिर हम क्या सीखेंगे पेटी कैश बुक पेटी कैश बुक ये कुछ बनाना जो है अपन सीखेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने को सीखना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो भाई कई बार रिकॉर्डिंग करते समय गलती हो जाती है कई बार क्लासिफाई करते समय गलती जो है हो जाती है तो भाई जो भी गलतियां हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो अपने को जो है सीखना है उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीखेंगे बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है और जो पासबुक है उसको रिकनसाइल करना कैसे आता है वो अपन जो है सीखेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इन्वेंट्री जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो अपने को जो है सीखना है उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है डिप्रीसी तो भाई डिप्रीसीशन एंड अमोटाइजेशन डेशन अमोटाइजेशन तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है अमोर्टाइजेशन क्या होता है सब कुछ जो है अपने को सीखना है उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने को सीखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर अपने को सीखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल ये सारी चीज़ें जो है सीखनी है तो एक ये चैप्टर ये जो है आपका आता है और इस चैप्टर की बात करें तो भाई ये पेपर में उम्मीद करते हैं थर्टी टू थर्टी फाइव मार्क्स का पेपर में जो है आएगा तो भाई 30 थर्टी फाइव मार्क्स का ये पेपर में जो है आएगा ठीक है जी तो एक बार पूछ लेता हूं कि आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस परचेज बुक आता है कि नहीं आता है ऑलमोस्ट आता होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स थोड़ा बहुत आता जो है होगा आपने स्कूल में बी आर एस बनाना सीखा है कि नहीं सीखा यह भी ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है फिर इन्वेंट्री आपने सीखा है कि नहीं सीखा इन्वेंट्री शायद आपने नहीं सीखा पर आपने कुछ शायद आ, फीफो लीफो कुछ शब्द सुने हैं कि नहीं सुने नहीं सुने ठीक है तो एक ये टॉपिक आपका नया जो है आया उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन निकालना आते एस एल एम मेथड डब्ल्यू डी मैथड हाँ थोड़ा बहुत आपको जो है पता है ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल होता है फिर बिल एंडोर्स करते हैं डिस्काउंट करते हैं ये भी शायद स्कूल में थोड़ा बहुत आपने जो है सीखा हुआ है तो एक शायद इन्वेंटरी टॉपिक ऐसा है जो शायद बिल्कुल नया होगा बाकी सारे ऑलमोस्ट आपने जो है पढ़े हुए हैं उसके बाद फिर आ जाओ चैप्टर नंबर थ्री फिर आए जी चैप्टर नंबर थ्री ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया स्कूल में स्कूल में किया कि नहीं किया हुआ अच्छा नहीं करा ठीक है तो बच्चे कह रहे हैं सर बिल्स ऑफ़ एक्सचेंज भी जो है नहीं किया तो पुराने टाइम में तो होता था अभी शायद स्कूल में भी कई बार वो क्लास इलेवन ट्वेल्थ में कोर्स बदल रहा है तो हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब आपके कोर्स से जो है हट गया होगा कोई दिक्कत नहीं अपने को सारा जो है पढ़ना है ठीक है जी हाँ वही ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं हमारे टाइम में ये नहीं था चलो कोई बात नहीं फिर आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट अपने को सीखना है फाइनल अकाउंट्स ये आपके स्कूल में था फाइनल अकाउंट्स तो फाइनल अकाउंट्स किस का सीखना है सोल प्रोपराइटर तो फाइनल अकाउंट सीखना है सोल प्रोपराइटर का मतलब क्या सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बस एक चीज़ नहीं सीखनी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शायद स्कूल में जो है नहीं सीखा होगा पर ट्रेडिंग अकाउंट आपको मोटा मोटी आता है फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट आपको आती जो है होगी तो बस एक टॉपिक नया है इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है अपने सीखेंगे ऐसे ही फिर एक टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या ये भी स्कूल में सीखा हुआ है अच्छा ये भी शायद हट गया तो स्कूल में पढ़ करके आए हो अच्छा ठीक है तो यह विषय पहले पुराने बच्चे तो कहते थे एनपीओ भी हमने स्कूल में पढ़ा था हो सकता है नए कोर्स के अंदर यह भी जो है हट गया ठीक है तो एक टॉपिक नया जो है आपका आ जाएगा और उसके बाद फिर एक हमारा है सिंगल एंट्री हाँ जी सिंगल एंट्री जिसको बोलते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या ये स्कूल में पढ़ा है ये भी नहीं पढ़ा है कुछ कह रहे हैं पढ़ा है नहीं पढ़ा है अच्छा पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था नहीं दो बातें ना पढ़ाया तो था हमने नहीं पढ़ा ऐसा तो नहीं अच्छा पढ़ाया भी नहीं था ठीक है तो भाई सिंगल एंट्री ये भी बच्चे कह रहे हैं शायद नहीं पढ़ा ठीक है जी तो भाई ये पेपर में लगभग आएगा 20 से 25 नंबर तो बीस से पच्चीस नंबर जो है ये पेपर में जो है आना चाहिए ठीक है जी उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हाँ जी नेक्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप हाँ जी नेक्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप क्या ये स्कूल में पढ़ा है गुडविल की वैल्यूएशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डेथ ऑफ अ पार्टनर डिजोल्यूशन ऑफ़ द फर्म ये सब पढ़ा हुआ है हाँ ये भी आपका जो है पढ़ा है और ये पेपर में आएगा पंद्रह से बीस नंबर हाँ, इसमें एक नया टॉपिक जो है अपन पढ़ेंगे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन जो शायद आपने स्कूल में जो है नहीं पढ़ा होगा और कुछ नए टॉपिक जो है मतलब 80 परसेंट पार्टनरशिप पढ़कर आए हैं और कुछ चीजें नई हैं आपने पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा जो है में नहीं बेसिक डिजोल्यूशन जो है पढ़ा होगा लो जी और बस लास्ट चैप्टर ज्यादा तो पेपर में आ ही नहीं रहा कह रहे हैं कंपनी अकाउंट्स लो जी और बस लास्ट चैप्टर आपका है कंपनी अकाउंट्स हाँ जी तो भाई लास्ट चैप्टर हमारा क्या है कंपनी अकाउंट्स हाँ जी तो कंपनी अकाउंट्स पेपर में आएगा पंद्रह से पच्चीस नंबर ये क्या बात हुई ऑनलाइन बच्चा कह रहे है, सर ये बुक में था पर सिलेबस में नहीं था है? मेरे को बेचारा बेटे समझाओ मैं समझा नहीं मतलब कौन से चैप्टर की बात करो कि बुक में था और सिलेबस में नहीं था ऐसी कौन सी किताब आप पढ़ रहे हो कि हमारे सिलेबस में नहीं थी पर बुक के अंदर जो है दी थी ऐसा भी कुछ था एनपीओ या सिंगल एंट्री आपके बुक में होगा और सिलेबस में नहीं था हाँ जी सिंगल एंट्री हाँ क्योंकि अच्छा तो सिंगल एंट्री आपके पहले सिलेबस में था तो बुक्स के अंदर होगा और अभी आपका कोर्स में चेंज आ गया हाँ ऐसी एनपी मैंने सुना है जो पुराने बच्चे कहते हैं कि हमने पढ़ कर आए हैं तो हो सकता है इस साल जो है आपके सी ने फिर ये चैप्टर्स भी जो है हटा हाँ, दिए होंगे पर एनवे फिर आओ कंपनी अकाउंट्स तो कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ है हाँ जी फिर प्रोराटा अलॉटमेंट पढ़ा हुआ है फोर फीचर पढ़ा हुआ है री ईशू हाँ ये भी जो है पढ़ा हुआ है फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स ये भी जो है पढ़ा हुआ है तो भाई इसमें कहूँगा फिफ्टी परसेंट आपने पढ़ा है पर उसके बाद बोनस इशू शायद आपने नहीं पढ़ा होगा राइट इशू शायद आपने जो है नहीं पढ़ा होगा रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंशियस ये शायद नहीं पढ़ा होगा रिडम्पन ऑफ डिबेंचर्स शायद पढ़ा होगा शायद जो है नहीं पढ़ा होगा हाँ ईशू ऑफ शेयर्स पढ़ा होगा ईशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ाओगे पर रिडेमशन ऑफ प्रेफरेंसर्स नहीं पढ़ा होगा रिडेम्शन ऑफ डिबेंचर्स नहीं पढ़ा होगा बोनस इशू राइट इशू ये कुछ टॉपिक है जो नए जो है आ जाते हैं तो भाई आपका बस इतना सा जो सिलेबस है अगर बात करें इतना सा आपका सिलेबस जो है आता है जिसमें अगर बात करें थ्योरी आपने ऑलमोस्ट पढ़ी होती है फिर बात करें जर्नल लेजर रेक्टिफिकेशन बी आर एस इन्वेंट्री इन्वेंट्री की बात करें तो मान लेते हैं पाँच नंबर का ये पेपर में आएगा ये मान लेते हैं आपने नहीं पढ़ा बाकी सारा आपने अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लेते हैं दस नंबर का आएगा तो ये आपने जो है नहीं पढ़ा उसमें सोल प्रोफराइटर दस नंबर मानते हैं और ये पंद्रह नंबर का जो है मान लेते हैं तो ये आपने नहीं पढ़ा तो ये आपका पंद्रह पंद्रह तीस और इसमें भी अगर बात करें तो शायद आपका पंद्रह नंबर का जो है पार्टनरशिप में मान के चलता हूँ पाँच नंबर और दस नंबर ठीक है जी तो भी पंद्रह नंबर का जो है नहीं पढ़ा तो टोटल अगर बात करें तो फिफ्टी फाइव परसेंट सिलेबस तो ऑलरेडी आपको आता है फोर्टी फाइव परसेंट सिलेबस क्या है ये नया है ठीक है जी तो भाई फिफ्टी फाइव परसेंट सिलेबस आपको ऑलरेडी आता है और फोर्टी फाइव परसेंट सिलेबस क्या है नया है तो जिनका टारगेट है जिनका टारगेट है सिर्फ पास होना पास होने कितने नंबर चाहिए चालीस तो भाई एक बात तो पक्की है कि अगर आपने पचपन नंबर का भी आपने जो स्कूल में पढ़ा है इसके हिसाब से पेपर देने जाओगे चालीस नंबर तो वैसे ही जो है आ जाएंगे ठीक है क्योंकि आपने पढ़ा है और बिल्कुल सेम जो क्लास ट्वेल्थ का लेवल है वही सेम है और कोई लेवल आएगा नहीं कंपनी ने शेयर इशू करे प्रोराटा है अलॉटमेंट हुई रि इशू आपका सारा हुआ तो ऐसा कोई नया जो है नहीं पढ़ाना तो फिफ्टी मार्क्स तो बहुत ईजी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है और फोर्टी मार्क्स की अगर बात करें वो अपने को नया जो है पढ़ना है ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि कल को जो मैंने कहा ना अपना टारगेट क्या है अकाउंट्स में 80 मार्क्स का टारगेट जो है रखते हैं में समझ आ जाए। पर मैंने कहा, कहीं पर उलझ जाओ तो वही ध्यान रखना बस मेरा टारगेट कितना है 80 का टारगेट जो है मैं बनाकर चलूंगा सीएम सबसे इंपॉर्टेंट जो कहता हूँ बस ये एक चीज रहती है ये मानकर चलना आप हंड्रेड परसेंट कभी भी आपको समझ जो है नहीं आएगा ये चीज़ तो आप पहले से मानकर कर चले हंड्रेड परसेंट आपको सारे टॉपिक कभी भी समझ जो है नहीं आएंगे ठीक है दूसरा अगर समझ भी आ जाएंगे सिलेबस इतना ज़्यादा रहेगा आप हंड्रेड परसेंट कभी भी सिलेबस पूरा जो है नहीं कर पाओगे तो सी के अंदर तो ये एक बेसिक चीज़ है कि यहाँ पर हंड्रेड परसेंट सिलेबस कभी आपका होगा ही नहीं आप कितनी भी जान लगा लो आपका पूरा जो है नहीं होगा और इसी चक्कर में जो टारगेट बनाते मुझे हंड्रेड सिलेबस करना है उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन होता ही होता है सर सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहा भाई हमें पूरा करना भी नहीं है ठीक है ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है अगर फर्स्ट शॉट में सीए जो है करना है बहुत रियलिस्टिक अप्रोच आपको रखनी है अभी तक स्कूल में क्या होती थी आइडियलिस्टिक अप्रोच बस फ़र्क होता है स्कूल में क्या आती है आइडियलिस्टिक अप्रोच इसका मतलब क्या होता है हमें सब कुछ बेस्ट 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 जो है अपने को जो है हमें हंड्रेड ऑन हंड्रेड पर ही जो है जाना है पर जितने प्रोफेशनल कोर्स होते हैं आई की बात करें मेडिकल की बात करें कैट की बात करें यूपीएससी की बात करें सी की बात करें तो यहां पर हमारी अप्रोच क्या होती है रियलिस्टिक अप्रोच चलते हैं क्यों प्रैक्टिकली हम पूरा सिलेबस कभी भी जो है नहीं कर सकते कोई भी आई की तैयारी कर ले आई की पूरी तैयारी कभी भी जो है नहीं हो सकती जितनी तैयारी है उसी में पेपर जो है देकर आते कोई भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो कहने कभी नहीं कह सकता मेरी हंड्रेड परसेंट तैयारी जो है हो गई क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कभी भी जो है नहीं कर सकते और ये आई का बेस्ट पार्ट भी है आई ने जानबूझ के आपको सिलेबस बहुत ज़्यादा जो है देगा ठीक है ये जानबूझ जैसे क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस था थोड़ा सा था ज्यादा कुछ नहीं था क्लास ट्वेल्थ की बात करें करे, 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 टाइम पीरियड जो है पढ़ना है और आईसे ने जान के सिलेबस बहुत ज्यादा दिया है रीजन है आपको क्या बनाना है रियलिस्टिक जो है बनाना है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर आप पूछें क्या आपको सारी चीजें आती पॉसिबल नहीं होगा किसी भी डॉक्टर को आप पूछ सोच के बताएं, क्या डॉक्टर है, है। को सारी सारे सॉफ्टवेयर बनाने आते है, है। तो होंगे चलना चलना इसलिए पहले से पता है ये पॉसिबल ही नहीं है आप कोशिश कर, कर देख लेना पॉसिबल नहीं क्या पूरा सिलेबस जो है आप बेस्ट जो है करते चले जाओ और वही वाली बात है जो इस ट्रैप में फंस गया मुझे तो हंड्रेड और हंड्रेड जाना है वो हो गई हो वो बर्बाद बर्बाद होगा हो होगा, और और पर तभी मैंने मैंने कल बताया था बड़ा रियलिस्टिक चलना है। अकाउंट्स का टारगेट क्या रखेंगे? कहा हम अच्छे से करेंगे कराऊंगा कराऊंगा कराऊंगा, पूरा, करौंगा तो 100 से ज़्यादा जो है, जितना आपका ये भी ऐसे खेल बड़ा मस्त होता है कि आई से ही कोर्स का तो पूछता है आउट ऑफ कोर्स का भी जो है पूछ लेता है रीजन क्या है आई से वही कह रहा है कि भाई आप कभी पूरा पेपर तो कर कर नहीं आ सकते ठीक है तो ये मान कर चले पेपर में आउट ऑफ कोर्स भी आएगा पेपर में गलत सवाल भी जो है आते ये सब चीज़ें जो है चर्चा जो है करेंगे और ऐसी कई मीम्स भी बनी हुई है कि ऐसे पेपर में गलत सवाल है वो जानबूझ के डालता है क्यों बात वही है आपको बहुत रियलिस्टिक जो है बनाने कई बार क्लाइंट आपके पास आएगा जब आप सी बन जाओगे क्लाइंट आएगा क्लाइंट कई बार वो सवाल ही गलत पूछता है क्लाइंट को खुद ही नहीं पता भाई क्या पूछना चाह रहे हो तो हमें उलझना नहीं भाई हमें आपकी बात समझ नहीं हमने उसको स्किप जो है कर दिया तो मान के चलो पेपर 90 टू 95 परसेंट का ही आप पेपर जो है कर कर चलोगे कई बार ऐसा होता है अगर लॉटरी बहुत अच्छी है सारे सवाल बिल्कुल सही आए इन द कोर्स आए हंड्रेड और हंड्रेड भी जो आ जाता है पर हमेशा मान के चलता हूँ फाइव तो चाहे अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे इको हो चाहे लॉ हो एक सवाल पाँच नंबर का इंटेंशनली आई से आपको गलत डालेगा या इंटेंशनली आपसे आउट ऑफ कोर्स जो है पूछेगा और कई बार होते हैं पहला सवाल ही पहला सवाल ही इंटेंशनली गलत डाल दिया आपने पहले सवाल से शुरू किया उसी में उलझ गए उसी में उलझ गए आपसे सवाल हो नहीं रहा और आप कह रहे हो आज या तो तू नहीं या मैं नहीं आ इसने अगले अटेम्प्ट में आओ हमें उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरी है ठीक है पहला सवाल आपसे सॉल्व नहीं हुआ छोड़कर आगे बढ़ो छोड़कर आगे बढ़ो ऐसे ये सब खेल आपके साथ जो है करेगा कि आपका पहला सवाल आपसे नहीं हो बाकी सारे सवाल हो जाएंगे पर पहला सवाल नहीं हो एकदम से आपका आप कॉन्फिडेंस जो है डाउन जो है हो जाएगा तो ऐसे वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस अपने पास होना चाहिए ठीक है अभी एक सवाल नहीं हुआ नहीं हुआ बाकी तो हो सकते हैं करना जो है शुरू करो ठीक है तो मेरा माइंड वही है आपको अच्छे से एक माइंड मेकअप जो है मुझे करवाना है कि आई से किस तरीके से पेपर जो है देता है जिससे आपको समझ आ जाए कि आई का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट जो है करना है ठीक है जी कंफर्टेबल है लो जी तो भाई यहां तक किसी को अभी तक कुछ भी पूछना हो ठीक है जी फिर आएं आपके पेपर पैटर्न की अगर बात करें लो जी पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो अकाउंट्स का पेपर का पैटर्न में जो है बता रहा हूं हर सब्जेक्ट के अलग-अलग पेपर पैटर्न रहते हैं तो पेपर पैटर्न की बात करें अकाउंट्स का जो पेपर है जी कितने नंबर का आएगा हंड्रेड मार्क्स का और ये पेपर क्या है सब्जेक्टिव हंड्रेड मार्क्स का पेपर है और पेपर भी क्या है सब्जेक्टिव पेपर जो है आ रहा है ठीक है जी और ड्यूरेशन कितनी होगी हाँ जी अकाउंट्स के पेपर की ड्यूरेशन कितनी होगी थ्री आवर्स ऑब्जेक्टिव पेपर दो घंटे के होते हैं सब्जेक्टिव पेपर तीन घंटे के होते हैं प्लस आपको 15 मिनट और एक्स्ट्रा दे देते हैं रीडिंग टाइम ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलता मैथ्स और इकोनॉमिक्स में तो दो घंटे का ही पेपर है पर अकाउंट्स और लॉ की बात करें थ्री आवर्स फिफ्टीन मिनट्स का पेपर जो है रहेगा तो थ्री आवर्स का मतलब वन एटी मिनट प्लस पंद्रह कितना हो गया वन नाइन्टी फाइव मिनट तो रफली मैं कहता हूँ दो सौ मिनट आपको मिल रहे हैं सौ नंबर का पेपर करने के लिए ठीक है जी फिर चेक करें अब पेपर पैटर्न किस तरीके से है तो भी कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी तो भाई पहला सवाल तो कंपल्सरी सवाल है मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है तो भाई क्वेश्चन वन इज कंपल्सरी और उसमें क्या रहता है उसके भी तीन पार्ट रहते हैं पहला पार्ट आपसे बहुत बेसिक्स पूछते हैं ट्रू फॉल्स बेसिक सा पूछ लेंगे ट्रू फॉल्स लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ट्रू है कि फॉल्स है विद रीजन ऐसा कुछ जो है पूछ लेंगे कि लैंड पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ट्रू है कि फॉल्स है क्या कहते हो ट्रू है कि फॉल्स है हाँ जी फॉल्स है लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती अभी फाउंडेशन लेवल पर इंटर पर कहेंगे लैंड पर भी हो जाती है ठीक है तो अभी फाउंडेशन लेवल मान लेते हैं अभी लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती आपने स्कूल में बड़ा मस्त जो है पढ़कर आए थे फिर अभी इंटर में पढ़ेंगे कौन सी लैंड पर ऐसा नहीं सारी लैंड पर नहीं होती कौन सी लैंड पर डेप्ले चार्ज नहीं होती कौन सी लैंड पर डेप्ले चार्ज होती है सबको जो है पढ़ना है अभी तो फाउंडेशन पे बेसिक बेसिक आते तो ठीक है, है आपके लेवल पर लैंड पर डेप्ले चार्ज नहीं होती ठीक है तो भी ट्रू फॉल्स जो है आते हैं और आपको छ स्टेटमेंट गिवन होगी स्टेटमेंट टू टू मार्क्स ईच वन मार्क्स है ट्रू फॉल्स का वन मार्क है आपका रीजन का तो भी रीज़न का तो ऐसा कुछ आपसे रीजन दे दो लैंड पर डेपिशन नहीं होती क्यों लैंड की लाइफ क्या होती है इनफाइनाइट ऐसा कुछ स्कूल में रट्टा मारकर जो है आए थे ठीक है तो इसमें बाद में इंटर में इस पर चर्चा जो है करनी है तो ये फाउंडेशन में तो नहीं बना। एक रीज़न जो है वन लाइन का रीज़न जो है हम देंगे अरे ऐसी छह स्टेटमेंट जो है हमारी आ जाती है ठीक है जी उसके बाद फिर सेकेंड आपका है थियोरी फिर एक थ्योरी सवाल जो है आ जाएगा डिफाइन डिप्रिसिएशन डिफाइन अकाउंटिंग ऐसा कोई थ्योरी सवाल जो है आ जाएगा वो है चार नंबर का तो भाई वो मेरा आ रहा है चार नंबर का उसके बाद फिर एक सवाल जिसको मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल फिर एक सवाल न्यूमेरिकल चार नंबर का जो है आ जाएगा मे बी बी आर एस का एक न्यूमेरिकल जो है आ गया मे बी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक न्यूमेरिकल जो है आ गया मे बी डेप्रिसिएशन का एक न्यूमेरिकल जो है आ गया तो भाई ये टोटल कितना आया हाँ जी बीस नंबर तो भाई बीस नंबर का सवाल जो है ये आपका जो है आएगा ठीक है जी उसके बाद फिर आगे बात करें फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स फिर क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन सब की बात भी करें ये सभी सवाल कितने के होंगे ट्वेंटी मार्क्स ईच तो भाई सारे सवाल क्वेश्चन वन भी ट्वेंटी मार्क्स का है टू भी ट्वेंटी मार्क्स का थ्री फोर फाइव सिक्स सारे ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के हैं तो भाई छः सवाल बीस नंबर के टोटल कितना हो गया एक सौ बीस पेपर कितने का होना चाहिए सौ तो इसका मतलब क्या है इसमें एक चॉइस है तो इसमें क्या है यू हैव टू अटेम्प्ट एनी फोर आउट ऑफ फाइव तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स पांच में से एक सवाल आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं एक सवाल आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते तो पहला सवाल बीस नंबर का और आपको चार सवाल और करने बीस बीस नंबर के तो अस्सी और बीस ये कितना हो गया सौ नंबर का पेपर जो है आ गया और इसकी बात करें तो इसमें अलग अलग फॉर्मेट है हो सकता है बीस नंबर का ही सवाल आ जाए पूरा आ गया प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा एक सवाल बीस नंबर का जो है आ सकता है या फिर सवाल इसके पार्ट हो सकते हैं दस नंबर और दस नंबर दो अलग अलग टॉपिक जो है आ गए दस नंबर और दस नंबर या क्या हो सकता है दस नंबर का बड़ा सवाल पांच पांच नंबर के छोटे सवाल ये भी हो सकता है या क्या हो सकता है एक सवाल नंबर नंबर का का एक सवाल 5 का जो है है आपका होता ठीक है जी तो इस तरीके से पेपर पैटर्न जो है बनता है तो भी कुल मिला के आपके पास सिक्स क्वेश्चन जो है होते हैं कुल मिला के पेपर में ज्यादा सवाल नहीं आएंगे सिर्फ छह सवाल जो है आएंगे कितने मार्क्स के ट्वेंटी मार्क्स के जो है आते हैं तो पेपर वन ट्वेंटी मार्क्स का होते हैं और आईसे ने वही कहा सारा पढ़ने की तब भी ज़रूरत नहीं आईसी की सोच वही है कोई इशू नहीं है अगर सिलेबस पूरा नहीं भी होता जितना कर सकते हो आईसे चॉइस क्यों दे रहा है इसी चक्कर में दे रहा है जितना पढ़ो अच्छे से जो है पढ़ते जाओ और उसके बाद भी हो सकता है कि पेपर में कोई सवाल आप अटक जाए तो आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं एक सवाल जो है आप छोड़ सकते हैं ठीक है जी लो जी तो भाई यहां तक आराम से चेक करें किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो ठीक चल रहा है तो पेपर पैटर्न जो है हमने अच्छे से जो है देखा और अब शुरू करते हैं मेरे पहले चैप्टर के साथ चलो तो जी अब शुरू करते हैं मेरा पहला चैप्टर प्यारा सा चैप्टर तो भाई चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लो जी ऑनलाइन बच्ची का मासूम सा सवाल सर क्या स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं होती है हाँ जी सोचे पार्टनरशिप का सवाल है बीस नंबर का पूरा सवाल है पार्टनरशिप का और लास्ट में आपका एडमिशन रिटायरमेंट डे थे बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो बताओ जी नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे अच्छे से मिलते तो स्टेप मार्किंग का यही सिस्टम है मान लो फाइनल अकाउंट्स है तो स्टेप मार्किंग कैसे होती है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के तीन चार नंबर फिर नेट प्रॉफिट निकालने के तीन चार नंबर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट निकालने के तीन चार नंबर बैलेंस शीट टोटल के तीन चार नंबर तो स्टेप मार्किंग होती है इस तरीके से सारा काम जो है चलता है ऐसी मान लीजिए जनरल एंट्रीज अगर आ रही है तो हर जनरल एंट्री के नंबर जो है होते हैं सी ए सिलेबस एक्चुअली बता रहा हूँ बहुत ईजी कोर्स है बहुत एक्स्ट्रा ईजी कोर्स है अच्छे से स्टेप मार्किंग जो है होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरा पेपर आपका सही होगा तो नंबर जो है मिलेंगे पर हां बस गड़बड़ क्या होती है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही गलत हो गया तो नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा नेट प्रॉफिट गलत हो गया बैलेंस शीट गलत हो जाएगी तो बस कौन सा एरर का कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा तो बात है नंबर कैसे होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर जो है देंगे ऐसी स्टेप मार्किंग नहीं होती कि सेल्स के नंबर है ओपनिंग स्टॉक के नंबर है परचेज के जो मेन मेन वैल्यूज होती हैं उसके नंबर जो है हमारे होते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर होगा नेट प्रॉफिट का नंबर होगा कल को हो सकता है उसमें डिप्रिसिएशन अलग से निकाल लें मतलब जो जो चीज़ें निकालनी होगी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन सबके नंबर जो है होते हैं उन सबके नंबर रहेंगे और उसके हिसाब से जितने पॉइंट आपके सही हैं उतने आपके नंबर जो है आ जाते कंफर्टेबल है।, है लो जी किसी को और कोई भी छोटा मोटा डाउट हो ऑनलाइन बच्चा कह रहे सर बुक्स कब तक मिलेंगे बुक्स आज आपको कुरियर जो है हो जाएंगे ठीक है बुक्स प्रिंट हो चुके आज आपको कुरियर हो जाएंगे तो उम्मीद करता हूं एक दो दिन में किताबें जो है आपके यहाँ डिलीवर हो जाएंगी ठीक है जी और आगे बढ़े चलो तो भाई हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो भाई एग्जाम ट्रेंड की अगर बात करें लो जी एग्जाम ट्रेंड की बात करें तो मैं साथ साथ बता दूंगा कि अभी तक इसका क्या ट्रेंड जो है आ रहा है तो भाई मई 2018 से मैं शुरू करता हूं मई 2018 उससे पहले कोर्स था सी एस आपने शायद सुना होगा पहले सी कोर्स होता था उसमें सब कुछ ऑब्जेक्टिव होता था फिर 2018 में आई से जो है नया कोर्स लेकर जो है आया था जिसमें अकाउंट्स क्या बना सब्जेक्टिव जो है बना और उसमें बहुत सारे चेंजेस जो है होते रहे तो भाई मे टू में बी से सवाल आया दस नंबर का तो भाई दस नंबर का सवाल जो है आया उसके बाद फिर नवंबर 2018 में फिर से दस नंबर का सवाल जो है आया उसके बाद में 2019 में फिर से सवाल दस नंबर का जो है आया फिर नवंबर 2019 में फिर सवाल दस नंबर का जो है आपका आया ठीक है जी तो लगातार जो है भाई आई सी का बी आर एस और एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमें अच्छे से पढ़ना है तो मे 2018 नवंबर 18 मई 19 मे 19 नवम्बर दस नंबर का सवाल सीधा सीधा बी आर एस से जो है आया उसके बाद मे 2020 में कोविड आया तो पेपर नहीं आया 2020 में कोविड आया तो आई सी पेपर नहीं लिया उसके बाद फिर नवम्बर 2020 में आई सी ने दो बार एग्जाम लिए थे नवंबर 2020 और जून जनवरी 2021 सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से दो बार एग्जाम हुए थे जिसका जब मन करे आप तब तो पेपर जो है दें और यहाँ पर नवंबर 20 में 10 नंबर का आया और जनवरी में चार नंबर का सवाल आया चार नंबर का मतलब क्या है कंपलसरी सवाल आया यहाँ पे चेक करो चार मतलब पहले सवाल में कंपलसरी सवाल जो है आया तो ऐसे को था अभी बी आर एस तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बच्चे को अच्छे से होना चाहिए या तो वो दस नंबर का पूछ रहे थे या वो चार नंबर का जो है उन्होंने पूछा उसके बाद जुलाई 2021 में पाँच नंबर का आया उसके बाद क्योंकि 21 में सेकेंड वेव हो गया था तो मई वाला एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन्न होकर जुलाई में जो है आया और उसके बाद फिर दिसंबर 2021 में अगेन 10 नंबर का सवाल पेपर में जो है आया उसके बाद फिर आई पहले मई नवंबर एग्ज़ाम होते थे और फिर आई जून दिसंबर जो है कर दिए थे तो उसके बाद फिर आईसे ने जून 2022 में पाँच नंबर का सवाल आया फिर दिसंबर 2022 में फिर से दस नंबर का सवाल आया और फिर जून 2023 में पांच नंबर का सवाल जो है आया मतलब एक बात तो क्लियर है ये चैप्टर अभी तक हर अटेम्प्ट में जो है आ रहा है तो भाई या तो पांच नंबर या दस नंबर तो माइंड में लेके चलेंगे तभी हम क्लास में तैयारी भी करेंगे छोटे सवाल पांच नंबर के लेके चलेंगे और बड़ा सवाल दस नंबर का जो है अपन लेकर चलेंगे कंफर्टेबल है लो जी आ, मेरे को अभी याद नहीं है अभी आपका दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मेरे पास शायद डेटा में लिखना भूल गया हूं पेपर में आया होगा पांच या दसंबर का मैं फिर नेक्स्ट क्लास में जो है देखकर बता दूंगा ठीक है चलो तो भाई शुरू करते मेरा प्यारा सा चैप्टर हाँ जी तो भाई मेरा प्यारा सा चैप्टर जो है शुरू करते चैप्टर का नाम क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो लो जी लिखें कह रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बी आर एस तो भाई बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है दस नंबर का है, दस नंबर जो है कर सकते हो तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बी आर एस कह रहे हैं इज प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन और ये बिजनेसमैन किसके पास आता है चार्ट अकाउंटेंट के पास तो ये आपका एक बेसिक काम है प्रोफेशनल काम यही है जब आप सीए बनोगे हर साल सारे बिजनेसमैन जो है आपके पास आते हैं कि सर बीआरएस जो है आप हमारा बना दीजिए तो इसी के आपको जो है फीस जो है मिलती है तो भाई ये बीआरएस जो है प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन टू रिकाइल टू रिकनसाइल डिफरेंस रिकनसाइल द

या फिर हम क्या बोल रहे हैं बैंक पासबुक एंड पासबुक का जो बैलेंस है या बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है उसका और दूसरा बैलेंस कौन सा होता है एंड बैलेंस एंड बैलेंस एज पर एज पर हिज ओन ओन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर दी बैलेंस एज पर हिज ओन बुक्स ऑफ अकाउंट जिसको हम क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं बैंक अकाउंट या फिर हम क्या बोलते हैं बैंक कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक तो भाई इस बात को जो है अच्छे से समझते हैं तो भाई बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन का सारा काम किस में चलता है सारी ट्रांजैक्शन सामान खरीद रहे हैं सामान बेच रहे हैं खर्चा कर रहे हैं कमाई हो रही है तो वह सारा काम किस में होता है कैश में सारा काम जो है होता है अब दिक्कत वही है कैश में बल्क में काम होता है इसलिए कैश बड़ा रिस्की जो है रहता है इसलिए बैंक एक इंस्टीट्यूशन जो है उसका निर्माण जो है हुआ आज हमारी खुद की बात करें करोड़ों की ट्रांजेक्शन है अगर मैं आप सबसे कैश लेना शुरू कर दूँ तो हमारे लिए बड़ा डर जो है हो जाए कैश कैसे संभालें क्या संभालें तो ऑलमोस्ट आप सब ने हमें क्या किया ऑनलाइन ने हमारे बैंक में ही जो है पेमेंट जो है करी ठीक है जी तो हमने कहा सारा काम कैश में चलता है मुझे भी पेमेंट करनी है आप सबसे पेमेंट जो है आनी है तो बिजनेस वर्ल्ड में कैश में सारा काम जो है चलता है पर क्योंकि कैश संभालना बड़ा मुश्किल है और सोच के पता है मुझे 50 लाख की पेमेंट करनी है और अगर 50 लाख रुपए मैं अगर सूट केस में लेकर जाऊं तो बड़ा डर भी लगता है कि बाहर चोर बैठे हैं कल को भी डाका जो है ना डाल दे ठीक है तो ये कई सारी चीज़ होते हैं इसलिए हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बार बार कहा कि आप डिजिटल पर आ जाओ सारा काम करो बड़ा सेफ काम जो है चलता है जो भी पेमेंट आपको लेनी है ऑनलाइन पेमेंट लो जो भी पेमेंट करनी है ऑनलाइन पेमेंट जो है आप करते चले जाएँ और पिछले चार पाँच सालों में आपने खुद देखा आजकल सारा काम ऑलमोस्ट जो है हमारा ऑनलाइन जो है होना शुरू हो गया कुछ साल पहले तो कैश में बहुत सारा काम होता था आज भी होता है पर बात वही है हमारी मेजर ट्रांजेक्शन किसके साथ चलती है बैंक के साथ जो है चलती है अगर मैं अपनी बात करूं तो नाइनटी परसेंट हमारे पास जितना काम हो रहा है सारा किसमें चल रहा है बैंक के थ्रू जो है काम होता है आपकी जितनी पेमेंट आई ऑनलाइन जो है हमारे पास सीधा बैंक में आई हमें रेंट की पेमेंट करनी है इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करनी है जो भी पेमेंट करनी है सारा जो है हम चेक इशू करते हैं ऑनलाइन पेमेंट जो है करते हैं तो हमने कभी बैंक के साथ ये मेरा सारा काम जो है चलता है यदि समझ आती है और इसी को अगर थोड़ा सा और समझें तो होता क्या है मान लीजिए एक हमारे मिस्टर एक से अब लिखने की जरूरत नहीं और एक है बैंक मे बी आई सी आई सी आई बैंक जो है आ गया तो भाई अब क्या है एक मिस्टर एक्स एक्से मान लीजिए मैं अब मैं बैंक के साथ जो है मैं डील कर रहा हूं और बैंक में कर क्या रहा हूं अपना ही पैसा मैं बैंक में जमा करा रहा हूं क्यों जमा करा रहा हूं एक सेफ्टी है बैंक के अंदर एक सेफ्टी जो है होती है घर के अंदर अगर पैसा रख दें और चोरी हो गई गड़बड़ जो है हो जाती तो एक सेफ्टी जो है हमेशा जो है रहती है वो तो आप जब बिजनेस करोगे तो पता चलेगा बैंक बहुत सेफ जो है होता है पर हाँ अगर बैंक फ्लॉप हो गया तो बात अलग होती है पर इन जनरल बैंक थोड़ा सा सेफ जो है मानकर चले मतलब कैश घर पे रखने से फार बेटर है कि आप बैंक में जो है पैसा डिपॉजिट करो तो भाई अब सोचिए मैंने मान लीजिए एक लाख रुपए मैंने बैंक में डिपॉजिट करे मिस्टर एक्स ने एक लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करे तो बैंक क्या है मालिक एसेट है बैंक में मेरा पैसा बढ़ गया तो बैंक अकाउंट हम क्या करेंगे हम कहेंगे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए 1 लाख रुपए हमने कहा बैंक अकाउंट एक एसेट तरह है तो मैंने कहा एक लाख रुपए का मेरा एसेट है तो मेरा कहां पर है बैंक में और इसके अगेंस्ट हुआ क्या मेरा कैश चला गया क्योंकि मैंने कैश बैंक को दिया तो कैश मेरा चला गया तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं टू कैश में भी एक लाख रुपए बात ले रहे तो ये काम होता है कल को मैं कैश विड्रॉ कराऊंगा मुझे पैसे की जरूरत थी मैं बैंक में गया और बैंक से मैंने दस हजार रुपये विद्रॉ करे तो मेरे हाथ में क्या आ गया कैश जो है आ गया तो मैंने कहा भाई कैश अकाउंट डेबिट कितना दस हजार रुपये जब कैश आया तो कौन सा एसेट कम हो गया बैंक का बैलेंस कम हो गया तो यहाँ पर क्या होगा टू आई बैंक अकाउंट कितना मे बी दस हजार रुपये कंफर्टेबल है फिर मान लीजिए मुझे रेंट की पेमेंट करनी थी पच्चीस हज़ार रुपए तो मैंने रेंट की पेमेंट के लिए चेक इशू करा किसको चेक इशू करा मकान मालिक को लाल को कि सर ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ आप बैंक में जाएँ आपको पैसे जो है मिल जाएंगे तो मैं एंट्री क्या करूँगा मैंने कहा मेरा एक खर्चा हुआ रेंट का रेंट अकाउंट डेबिट कितना पच्चीस हज़ार तो मैंने कहा मैंने खर्चा किया और ये पैसा कहाँ से जाएगा बैंक से माइनस हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं टू आई सी आई सी आई से बैंक पच्चीस हज़ार जो है हम ये एंट्री जो है पास करेंगे ठीक है जी तो मैं ये सारा काम अपनी रिकॉर्डिंग जो है कर रहा हूँ कि मुझे पता हो कि बैंक में कितना पैसा इस समय जो है पड़ा है ठीक है ऐसे ही क्योंकि ये मेरा बिजनेस है मैंने रिकॉर्डिंग करी बैंक भी तो बिज़नेस कर रहा है बैंक का बिजनेस किस चीज़ का है इसी चीज़ का बिज़नेस है कि मैं आपके पैसे रखूंगा, मैं आपके पैसे संभाल कर रखूंगा और उसके बाद जो इस पैसे को मैं आगे किसी को लोन पे दे दूंगा, लोन पर इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा और आपका पैसा जो मैंने रखा उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको जो है दे दूंगा तो बैंक का सिस्टम होता है आप हमारे यहाँ पैसा जमा करो हम आपको टेन इंटरेस्ट जो है देंगे तो एफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो टेन परसेंट तो बैंक ने कहा हमारा यही बिज़नेस है आप अपना पैसा हमारे बैंक में जमा करो आपका पैसे भी हर साल हम क्या देंगे टेन परसेंट इंटरेस्ट जो है देंगे फिर बैंक क्या करता है यही पैसा मेरा पैसा आगे किसी को लोन दे देता है और लोन पर इंटरेस्ट कितना लेता है बारह इंटरेस्ट ले लेता है तो बैंक की कमाई क्या होती है डिफरेंस जो है आ जाता है मेरे पैसे भी बैंक ने मुझे क्या दिया टेन इंटरेस्ट दिया क्यों दे रहा है अगर मुझे बैंक इंटरेस्ट ना दे तो मैं बैंक में शायद पैसा जो है जमा ना करूं तो मेरे को एक लालच होता है कि यार घर पर भी रिस्की भी है चल बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक में क्या होगा मुझे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा तो मेरे को लालच होता है मैं ज़्यादा पैसा बैंक में जो है जमा करता हूँ और बैंक इसी से आगे लोन देता है उस पर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक का बिजनेस भी ये सारा काम जो है चलता रहता है ठीक है जी तो अब मैं ये सारे अकाउंट जो है बनाता हूं और बैंक क्या बनाता है बैंक एक स्टेटमेंट बनाता है बैंक एक स्टेटमेंट बनाता है या जिसको हम क्या बोलते हैं बैंक पासबुक आपने शायद ये नाम सुना होगा पासबुक ठीक है तो जिनका नॉर्मली सेविंग अकाउंट होता है अगर आपके पेरेंट्स का सेविंग अकाउंट होगा तो आज घर जाके आप देख सकते हो देखना भी जरूरी है अच्छी बात है कि घर जाके बोलना अपने पापी को कि भाई मेरे को एक बार पासबुक दिखाएं तो एटलीस्ट आपको रियल भी आपको पता होना चाहिए पासबुक कैसे जो है बनती है और जिनके पेरेंट्स बिजनेस मैन है उनका क्या होता है करंट अकाउंट होता है आपने शायद स्कूल में थोड़ा पढ़ा होगा एक एफ अकाउंट होता है एक सेविंग अकाउंट होता है एक करंट अकाउंट जो है होता है एफ अकाउंट क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए पांच साल की मैंने एफडी जो है कराई सेविंग अकाउंट क्या होता है भी मेरा जो कमाई थी मैं थोड़ा थोड़ा सेव जो है कर कर चल रहा हूं और करंट अकाउंट क्या होता है मैंने बिजनेस अकाउंट खोला था और मैं डेली ही जैसे हमारा अकाउंट कौन सा है बिजनेस अकाउंट इसमें डेली न्यूमरस ट्रांजेक्शन जो है होती है मतलब हमारे डेली जो है सौ डेढ़ सौ ट्रांजेक्शन डेली की बड़ी कॉमन ट्रांजेक्शन जो है होती है आप सबकी फीस आ रही है इंस्टॉलमेंट आ रही है हमें पेमेंट करनी है तो न्यूमरस ट्रांजेक्शन होती है तो इसमें बैंक क्या बोलते हैं आपको करंट अकाउंट जो है खोलना पड़ेगा पर हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हमारा मेन पर्पज क्या है अकाउंट्स को जो है देखना है थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जो है दे रहा हूं तो मैंने कहा बस पासबुक नॉर्मली हम कब बोलते हैं जब सेविंग अकाउंट होता है और बैंक स्टेटमेंट कब मिलती है जब हमारा करंट अकाउंट जो है हमारा होता तो हो है तो जब करंट अकाउंट होता है तो बैंक स्टेटमेंट का नाम देते हैं और जब सेविंग अकाउंट होता है उसको बैंक पासबुक जो है कह देते हैं और आपने शायद आजकल तो सारा ऑनलाइन काम हो गया पहले तो टाइम आज से दस साल पहले तो होता था कि पीरियडिकली मे बी आपके दादाजी नाना जी अगर हैं उनसे पूछ सकते हो तो वो क्या था छह महीने बाद बैंक बैंक जाया करते थे पासबुक अपडेट जो है होती थी आज तो सारा और बैंक के क्या है ऐप आ चुके हैं तो और बैंक के क्या है एप्लीकेशंस हैं आप अपने मोबाइल पर मोबाइल ऐप डालते हैं और वहीं पर आप चेक करो तो पूरा पासबुक की डिटेल जो है आ जाती तो उस डिटेल में क्या रहता है तो भाई जैसे मैंने एक अकाउंट खोला आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट ऐसी आईसीआई एक अकाउंट खोलेगा मिस्टर एक्स अकाउंट उसने भी एक पासबुक खोला बैंक स्टेटमेंट जो है खोला किसका मिस्टर एक्स का और वो सिस्टम क्या रहता है इस तरीके से एक टैबुलर काम जो है वो आपका जो है चलता है तो इसमें एक टैबुलर चलता है डेट आया पर्टिकुलर्स आया क्या कोई पैसा डिपॉजिट हुआ क्या कोई पैसा विद्रॉ हुआ और क्या है बैलेंस क्या जो है आ गया जैसे मैंने बैंक में क्या किया पैसा डिपॉजिट करा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पैसा हमारे पास डिपॉजिट हुआ कितना एक लाख रुपए तो बैलेंस कितना हो गया एक लाख रुपए ठीक है उसके बाद फिर हमने क्या किया कैश विद्रॉ कर तो दस हजार रुपए तो बैलेंस कितना हो गया नब्बे हजार उसके बाद क्या है फिर अगला एक रेंट का चेक आया तो यहां पे लिखा रेंट का चेक जो है आ गया मान लो यहां तीस हजार कर लेते हैं तो यहां तीस हजार आया तो बैलेंस कितना हो गया साठ हजार ठीक है सिंपल सिंपल बैंक का काम चल रहा है जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं बैंक अपना काम जो है करता है मैं क्या बनाता हूं बैंक अकाउंट जैसे कल हमने सीखा था अगर हम आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट खोले तो मैं अपना एक अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम क्या है आईसीआई बैंक अकाउंट जैसे कल हमने सीखा था तो आप चेक करो हम अपना अकाउंट जब बनाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं जर्नल एंट्री कुछ साइंस वाले बच्चे तो मैं कुछ चीज़ें थोड़ा ना मतलब बहुत बेस से जो है शुरू करूँ तो शायद आपको कई बार बोरिंग जो है लग जाए पर कुछ बच्चे जो आपके नॉन कॉमर्स के भी होते हैं तो उनको भी मेरे को रखता है थोड़ा बेस से शुरू करें और हाँ जितने कॉमर्स वाले भी हैं अभी आपको लगता है सब कुछ आता है पहले मॉक टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा आपको कुछ नहीं आता तो उसके बाद वैसे भी आपको बेस से जो है पढ़ना होगा ठीक है तो भाई फिर चेक करें आई से बैंक अकाउंट को मैंने क्या किया डेबिट जो है किया तो भाई लेफ्ट एंड साइड मेरी क्या होती है डेबिट राइट राइट हैंड साइड क्या होती है क्रेडिट तो मैंने डेबिट किया कितना एक लाख तो यहाँ पर क्या आया टू कैश ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्या है आईसीआईसीआई को मैंने क्या किया क्रेडिट करा क्रेडिट किया इसका मतलब यहां पर दस हजार मैंने क्रेडिट करा और रीजन क्या है कैश विड्रॉ जो है मैंने किया है उसके बाद फिर से मैंने आईसीआई बैंक को मैंने क्या किया क्रेडिट जो है किया कितने रुपए से तीस हज़ार रुपए से क्रेडिट करा किस बात का क्रेडिट करा मैंने रेंट की पेमेंट जो है करी और उसके बाद क्या होगा बाय बैलेंस कैरे डाउन निकालेंगे तो भाई यहाँ पर टोटल किया एक लाख यहाँ पर टोटल किया हमने एक लाख और बैलेंस कितना आ गया साठ हज़ार

कंफर्टेबल है तो वह यही काम जो होता है क्योंकि मैंने अपना काम किया पहले जर्नल एंट्री पास करी फिर मैंने अकाउंट बनाया ये मेरा काम है और बैंक का काम क्या होता है वो जर्नल एंट्री पास नहीं करते वो तो बैंक स्टेटमेंट ऐसा जो है बनाते इस तरीके से काम जो है चलता है पर एट दी एंड मेरा जो पैसा है मेरी बुक्स में क्या दिखा रहे हो साठ पासबुक में कितना दिखा रहे हैं साठ ये क्या होना चाहिए मैच जो है होना चाहिए कंफर्टेबल है लो जी पहले तो मैं यहां तक पूछ लेता हूं किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो यहां बात समझ आती है अब मैं आपसे पूछता हूं क्या लगता है ये बैलेंस मैच होता होगा नहीं होता होगा नहीं। हाँ जी कभी कभी नहीं होता होगा या हमेशा नहीं होता होगा रेयर केस में मैच होता है यूजली मैच होता है हमेशा ही मैच होता है. क्या कहते हो मतलब प्रेकली अगर आपसे सोचें भाई मेरे यहाँ पे बैलेंस आ रहा है साठ हज़ार इधर आ रहा है साठ हज़ार आना तो चाहिए पर रियलिटी की बात करें रियल लाइफ में ये हमेशा सेम होता होगा कि नहीं होता होगा देखो इसकी अगर बात करें बिजनेसमैन की बात करें जैसे मैं अपनी बात करूं हमारा तो कभी भी मैच नहीं होता आज तक कभी मैच हो सकता नहीं आज तक कभी मैच हो सकता नहीं क्यों मैच नहीं हो सकता छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं मैं इस समय आपको जो है पढ़ा रहा हूँ और इस समय हमारा जो कॉरपोरेट ऑफिस है अभी बजे हैं साढ़े आठ बजे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस कितने बजे खुलेगा दस बजे अकाउंट्स डिपार्टमेंट कितने बजे खुलेगा दस बजे तो दस बजे अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है खुलता है उसके बाद वो क्या करेंगे जनरल एंट्री पास करेंगे लेजर अकाउंट जो है बनाएंगे और हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट शाम को छः साढ़े बजे क्या होता है बंद हो जाता है ठीक है ऑफिस हमने बजे बंद किया और आप सोच के बताएं शाम को सात बजे ऑफिस बंद किया और सुबह दस बजे ऑफिस जो है खुल रहा है, भी हो जाती है। रात को बारह बजे आपने फॉर्म फिल करा पैसे जमा कर दिए आपने रात को दो बजे फॉर्म फिल करा पैसे जो है जमा कर दिए क्या बात समझ रहे हो तो आप खुद सोच के बताओ मेरे पासबुक में अगर पैसे जमा हो गए हो सकता है पासबुक में बैलेंस अस्सी हजार आ रहा हो पर मैंने अभी तक जलेंट्री पास ही नहीं करी क्यों मैं कब करूँगा जब ऑफिस खुलेगा फिर हम चेक करते हैं मैंने जब जलेंट्री पास नहीं करी जब मैंने अकाउंट अभी बनाया नहीं है ये हमेशा फ़र्क जो है आएगा आए ही आएगा अच्छा दूसरा सोच के बताओ दस बजे दस बजे ऑफिस खुल गया दस बजे ऑफिस खुल गया क्या मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऐसा करता होगा कि जैसे ही बैंक में पैसा जमा हुआ हाँ तो जल एंट्री पास करता है ऐसा भी नहीं करता हमारा सिस्टम क्या रहता है अभी पूरे दिन में पूरे दिन में प्रैक्टिकली पूरे दिन में क्या होता है पैसा आ रहे आ रहे आ रहे और कई बार पैसा जा भी रहा है जैसे रेंट की पेमेंट ऑनलाइन जो है चली जाती है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट ऑनलाइन जो है चली जाती है तो पूरे दिन में बैंक के अंदर पैसा जा रहा है और हमारी टीम करती क्या है शाम को पाँच बजे शाम को पाँच बजे हमारे ऐप खोलती है बैंक स्टेटमेंट चेक करती है आपकी कंफर्मेशन भी आती है हमारे ऐप पर देख लेते हैं आज कितने कितने एडमिशन जो है हो गए कितने एडमिशन हो गए उसके बाद वो शाम को पाँच बजे एक या दो घंटे लगाते हैं सारी जनरल एंट्री पास जो है कर देते हैं। क्या ही बात समझ आती है और मेरा बिजनेस तो बहुत छोटा सा बिजनेस है पर इसे भी चेक करें मैच कभी भी जो है नहीं होगा अब रिलायंस की बात करें टाटास की बात करें मानीस की बात करें उनका तो आप खुद सोच के बताएं अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन जो है होती है तो उनका क्या कहीं मैच होता होगा कभी पॉसिबल जो है नहीं होता क्या ये बात समझ आ रही है कंफर्टेबल चल रहा है तो हमने कहा ये मैच होना तो चाहिए पर प्रैक्टिकल रीज़न से ये कभी मैच जो है नहीं होता तो भाई अब बात समझें इसलिए अब इस बात पर आए इसलिए हम क्या करते हैं हम एक स्टेटमेंट बनाना जो है सीखेंगे हम एक स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे जिसको क्या बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल का मतलब क्या होता है मिलाना मेरी कंसाइल का मतलब कई बार होता है ना दोस्तों में झगड़ा हो गया दोस्तों में झगड़ा हो गया तो एक बीच का पर्सन होता है वो दोनों को बिठाता है अरे नहीं तेरी बात भी सुनते हैं तेरी बात सुनते हैं आपस में झगड़ा जो है उसको सेटल जो है करना तो हमने कहा भाई यहाँ पर एक झगड़ा है झगड़ा किस बात का है पासबुक में बैलेंस कुछ और आ रहा है मे बी अस्सी और मेरे अकाउंट में बैलेंस कुछ और आ रहा है कितना साठ एक डिफरेंस है इसलिए हम एक स्टेटमेंट की मदद से हम ये सारा काम करते हैं तो कह रहे हैं क्या है इट इज़ prepared हम ये बनाएंगे कौन बनाता है कहने को बिजनेसमैन प्रैक्टिकली कौन बनाएगा आप ये जो है बनाओगे तो बर्स हम जो है बनाना सीखेंगे और रीजन क्या है हमें रिकंसाइल करना है हमें क्या करना है मैच करना है क्या डिफरेंस डिफरेंस किस चीज में आ रहा है बैलेंस as पर बैंक स्टेटमेंट आई होप अब ये सब समझ आ गया बैंक स्टेटमेंट कब बनती है जब करंट अकाउंट नॉर्मली जो है होता है और फिर बैंक पासबुक ये नॉर्मली कब बनता है जब सेविंग अकाउंट पर इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पेपर में चाहे बैंक स्टेटमेंट गिवन हो या बैंक पासबुक गिवन हो एक ही बात जो है मानकर चलते हैं तो बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है अस्सी हजार और मैंने कहा एंड बैलेंस एज पर इज ओन बुक्स ऑफ अकाउंट और मैंने जर्नल एंट्री पास करी लेजर अकाउंट बनाया उसके बाद मेरा बैलेंस कितना आया साठ हजार तो मैंने कहा भाई ये फर्क किस बात का जो है आ रहा है क्या ये बात क्लियर है कंफर्टेबल है तो भाई इसको भी चेक करो एक हम इसको क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट इसको हम क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट हमने एक अकाउंट जो है बनाया इसको हमने क्या बोला बैंक अकाउंट जो है बोला और ऐसी फाउंडेशन में सीखे कई बार हम क्या करते हैं डुबल अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कैश बुक ये सब अपने को सीखना है और कैश बुक में ही हम डबल कॉलम जो है बना लेते हैं तो भाई हम डबल कॉलम जो है बना लेते हैं इसको बोलते हैं कैश कॉलम इसको बोलते हैं बैंक कॉलम कैश कॉलम और बैंक कॉलम तो भी हम डबल कॉलम के साथ जो है चलते तो मैंने कहा कैश भी और बैंक भी ऐसे अकाउंट भी जो है बन जाते तो कई बार क्या होते हैं आप बैंक अकाउंट ऐसे बनाना चाहो ये भी ठीक है और कल को अगर आप कैश और बैंक दोनों को मर्ज करना चाहो तो बैंक कॉलम अलग चलेगा कैश कॉलम अलग जो है चलेगा तो बी आर एस किस लिए बनेगा बैंक कॉलम की बात करें तो यहां पर हम लिखेंगे एक लाख यहां पर कितना आएगा दस 30000 ये बैलेंस कितना आएगा 60000 तो इसको हम क्या कह रहे हैं इसको हमने कहा और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका हम बीआरएस जो है बना रहे हैं ठीक है जी लो जी अब एक बार आराम से चेक कर लें यहां तक किसी को कोई भी छोटा-मोटा चिन्ना-मिन्ना डाउट हो ठीक है जी सारा समझ आ रहा है स्पीड मेरी ठीक है फास्ट की स्लो या बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है मेरा पढ़ाया हुआ क्या आपको ठीक लग रहा है तो आप ऐसे खतरनाक चेहरे बनाकर क्यों बैठे हो थोड़ा मुस्करा देते मेरे को भी अच्छा लगता मतलब इस समय आपके चेहरे ऐसे हैं बस तू तो बोलना बंद कर अभी टमाटर फेंकेंगे मुझ पे हंस रही हो तुम तो? खुद पे हंस रही हो चलो सर हंसी आ गई ठीक है चलो हाँ तो अच्छे से अपना जो है आप पढ़ते जो है रहे ठीक है कंफर्टेबल चल रहा है तो भाई हमें कंसेप्ट जो है समझ आया लो जी अब ये बात समझ आई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब हमने कहा कॉजेज ऑफ डिफरेंस कॉजेज ऑफ डिफरेंस अब रीजन पर आते हैं आखिर बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है क्या क्या रीजन है कि मेरा बैलेंस मैच जो है नहीं हो रहा जिसमें पहला कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस पहला अपन कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस लो जी तो भाई फर्स्ट अपन कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस लो जी तो भाई टाइमिंग डिफरेंस पर जो है आ जाते हैं टाइमिंग डिफरेंस का मतलब टाइमिंग डिफरेंस का मतलब हाँ जी इनको माइक जो है फटाफट दे दे सर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो जैसे आपने बताया था कि हमारे पे, पे पेमेंट बाद में आई हाँ जी लेकिन बैंक में पहले रिकॉर्ड हो गया होगा आपने बाद में रिकॉर्ड करा तो यही टाइम ठीक है बात बिल्कुल सही है टाइमिंग डिफरेंस आपने रात को 12 बजे पेमेंट कर दी आपकी फीस रात को 12 बजे जो है आ गई तो बैंक स्टेटमेंट में तो अपडेट हो गया बैंक स्टेटमेंट में फीस अपडेट हो गई पर हम अपडेट कब करेंगे सुबह जब ऑफिस खुलेगा तब अपडेट करेंगे तो मैंने कहा जब तक दोनों जगह रिकॉर्डिंग नहीं होती तब तक डिफरेंस जो है रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस क्या है कि बैंक स्टेटमेंट में तो उन्होंने एंट्री हो गई बैंक स्टेटमेंट तो क्या होता है ऑटोमेटिक एंट्री होती है जैसे आपने पैसे जमा करे जैसे पैसे जमा करे मेरे बैंक स्टेटमेंट में उसी समय जो है आ गया तो वहां पर आया और मैं मैं रिकॉर्डिंग जब करूंगा, मैं हो सकता है सुबह दस बजे करूं हो सकता है आपकी पेमेंट आई और मैंने शाम को पांच बजे शाम को पांच बजे अब मैंने रिकॉर्डिंग जो है कर दी शाम को पांच बजे रिकॉर्डिंग करी क्या रिकॉर्डिंग करी बैंक अकाउंट टू फी अकाउंट बैंक में पैसा आया टू फी अकाउंट कितने बीस हजार तो शाम को बैंक का बैलेंस भी कितना हो गया अस्सी हजार अस्सी हज़ार सुबह तक कितना था साठ हज़ार आपने पेमेंट करी थी बीस हजार की बैंक स्टेटमेंट में आ गया था मैंने शाम को जैसे रिकॉर्डिंग करी बैंक अकाउंट डेबिट टू फी अकाउंट तो मेरा बैंक अकाउंट में भी कितना बन गया अस्सी बैंक स्टेटमेंट में कितना आ गया अस्सी तो मैंने कहा यह डिफरेंस सिर्फ समय का खेल है कि वो समय जैसे आपकी दोनों जगह रिकॉर्डिंग होगी बात क्लियर जो है हो जाएगी ठीक है जी चलो तो इसको लिख लेते हैं कह रहे टाइमिंग डिफरेंस तो भी कह रहे हैं सेम ट्रांजेक्शन सेम ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड सेम रिकॉर्डेड इन कैश बुक कैश बुक का मतलब मैं जब भी कैश बुक की बात करूंगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कर रहा हूं तो रिकॉर्डेड इन बुक एंड पासबुक एंड पासबुक सेम ट्रांजेक्शन आपने फीस दी है पासबुक में तो उसी समय उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है और मैं रिकॉर्डिंग कब करूंगा कुछ टाइम के बाद जो है करूंगा एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट टाइम तो भाई एट डिफरेंट टाइम कंफर्टेबल चल रहा है तो भी अलग अलग टाइम पर होता है जिसके दो एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हमने कहा पहला चेक डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर और दूसरा हमने कहा चेक इशूड बट Not presented। लो जी, तो भाई में नॉर्मली दो एग्जाम्पल सबसे प्रमुख जो है रहते हैं दो एग्जाम्पल रहते हैं एक चेक डिपॉजिट हुआ क्लियर नहीं हुआ या चेक इश्यू हुआ बट प्रेजेंट नहीं हुआ इस बात को भी थोड़ा सा समझें तो भाई इस बात को जो है चेक करें कि भाई चेक डिपॉजिट हुआ क्लियर नहीं हुआ चेक इशू हुआ और प्रेजेंट नहीं हुआ पहले इसको पकड़ते हैं चेक इशू हुआ और प्रेजेंट नहीं हुआ इस बात को समझिए मान लीजिए हमारे जो लाल लॉड है हमारे जो लाल लॉड है उनको रेंट का चेक जो है देना था लाल लॉड हमारे पास आए और हमने उनको रेंट का चेक दिया मान लेते हैं एक लाख रुपए का हमने लाल लॉड को चेक दिया आपने आई होप चेक देखा होगा चेक कुछ इस प्रकार से जो है होता है कि यहां पे लिखा होता है टू हमने उनका नाम जो है लिखा और यहां पर क्या होता है असम ऑफ रुपीज वन लाख ऐसा जो है लिखते हैं और यहाँ बॉक्स में जो है फिर आ जाता है इस तरीके से और यहाँ पे मान लीजिए साइन हुआ और यहाँ मान लीजिए फर्स्ट जनवरी 2024 मान लो डेट जो है करी तो हमने एक ऐसा चेक जो है हमने लाल लॉड को एक लाख रुपए का जो है दिया अब आराम सोचें लाल लॉड आए कि सर रेंट का चेक हमने चेक काट के लाल लॉड को जो है दे दिया जैसे ही लाल लॉड को चेक दिया अब क्या होगा उसी समय मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री पास हो जाएगी क्या रेंट टू बैंक अकाउंट उसी समय हमने एक एंट्री जो है पास कर दी रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट हमने रेंट का हमने चेक इश्यू जो है कर दिया अब सोच के बताओ मैंने तो इसी समय ये एंट्री पास करी पर क्या इसी समय बैंक से पैसा माइनस हो जाएगा नहीं, नहीं बैंक से पैसा माइनस कैसे होगा देंको 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 देंको। अब सिस्टम क्या है अब सिस्टम क्या है ये जो लाइन लॉड है ये चेक लेकर जाएंगे ये चेक लेकर जाएंगे चेक लेकर कहाँ जाएंगे बैंक में अच्छा कौन से बैंक में जाएंगे इस बात को भी समझते हैं इस बात को समझो मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई IC में आई का अकाउंट है आई में ऐसा हो सकता है? ऐसा हो हो सकता सकता है है बहुत सारे अकाउंट हैं मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई IC में लाल लौड का अकाउंट है एस में अब मुझे बताओ मैंने चेक पहले मैंने चेक जब इशू करा कौन से बैंक का इशू किया होगा भाई मेरे पास चेक बुक जो होगी मेरे अकाउंट की होगी मेरे पास आईसीआईसीआई का बैंक में अकाउंट है तो मेरे पास चेकबुक आईसीआई देगा तो मैंने इस चेक बुक से मैंने चेक जो है इशू करा ये बात क्लियर है अब सोच के बताना कि अब लान जो है उनका अकाउंट तो है एच में पर उनके हाथ में चेक है आईसीआईसीआई का तो अब ये पैसा लेने अपने बैंक में जाएंगे या आई में जाएंगे तो भाई कितने कह रहे हैं वो एच डी एफ सी में जो है जाएंगे तो भाई कई सारे हाथ इसमें खड़े हुए और कितने कह रहे हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में जो है जाएंगे आई सी आई में जो है जाएंगे कुछ बच्चे इस पे भी जो है चल रहे हैं तो भाई सिस्टम इस बात को समझो इस बात को समझो लाइन लॉर्ड कहाँ जाएगा अपने बैंक में जाता है लैंडलॉर्ड लॉड कहाँ जाता है अपने बैंक में जो है जाता है तो ये सारी डीलिंग बैंक टू बैंक चलती है लाल लॉड कहा जाएगा अपने बैंक में जो है जाते है तो लाल लॉड तो ये वाला चेक ये वाला चेक लेकर कहा जाता है एच डी एफ सी में जो है वो जाता है वो एच डी एफ सी में जो है वो जाता है कम्फर्टेबल है तो एच डी एफ सी में जाएगा और मैं अगर कहूँगा अगर हो सके तो इस हफ्ते अपने पेरेंट्स के साथ एक बार बैंक घूम कर भी आ जाना कितने बच्चे बैंक गए हैं अच्छा कई सारे बच्चे गए हैं ठीक है तो बैंक आप गए हैं पर थोड़ा सा एक बैंक जाना फिर से आज घूमकर आना कि चेक करना बैंक में चेक्स का क्या सिस्टम जो है होता है अभी आप गए होगे पर आपने ध्यान से देखा नहीं होगा तो बैंक कैसे इसको सारा काम जो है करता है हो सके इस हफ्ते के बाद देख जो है आना क्योंकि सी में मेरा ऐसा मानना है कि रियल लाइफ एक्सपोजर की बड़ी ज़रूरी है बस मेरी मजबूरी है मैं आप सबको एक साथ बैंक में लेकर जो है नहीं जाता चलो बेटा पिकनिक पर चलते हैं बैंक में तो वो अलाउ नहीं करेंगे पर आप अपने लेवल पर बैंक एक बार जो है होकर आना एक बार चेकबुक को भी देख लेना चेक कैसे होता है और अपने पेरेंट्स से पूछ भी लेना ठीक है तब होता क्या है ये जो लैंडलॉर्ड हैं ये कहाँ जाएंगे अपने बैंक में जो है जाते अपने बैंक में जो है जाते और वहां पर वहां पर क्या होता है एक बॉक्स बना होता है बैंक में एंट्री पर ही क्या होता है एक बॉक्स जो है बना होता है एक बॉक्स बना होता है जिनके भी चेक्स हैं तो क्या करो आपको काउंटर पे देने की जरूरत नहीं है आप क्या करो आप ये वाला जो चेक है आप इस बॉक्स में ड्रॉप कर दो इस बॉक्स में क्या कर दो ड्रॉप जो है कर दो और आपने शायद सुना होगा पेन स्लिप होती है एक स्लिप भर कर जो है ड्रॉप कर दे क्यों क्योंकि इसमें तो सिग्नेचर मेरे हैं सारा कुछ है इसके ऊपर एक स्लिप लिख देते हैं और स्लिप क्या होगा लैंडलॉर्ड अपना नाम लिखेगा कि लैंडलॉर्ड अपना नाम लिखेगा अपना अकाउंट नंबर लिखेगा और कहेगा कि ये वाला जो चेक है ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर जो है कर देना तो एक पेन स्लिप होती है उस स्लिप के अंदर ये सारी डिटेल भर देते हैं और डिटेल भर के उस ड्रॉप बॉक्स में जो है ये चेक जो है आ जाता है ठीक है ये चेक जो है आया उसके बाद फिर क्या होता है पीरियडिकली मान लो दिन में दो बार या दिन में एक बार मान के चलते हैं कि क्या होता है एक तो लंच के आसपास ओपन करते हैं या मान लेते हैं शाम को ओपन करेंगे तो बैंक का जो स्टाफ है बैंक का जो स्टाफ है इसे बहुत सारे चेक होंगे पूरे दिन के डेली के जो चेक होंगे तो बैंक क्या करता है सारे चेक की शॉर्टिंग कर लेता है अच्छा एच डी एफ सी के कौन कौन से चेक हैं अच्छा आई सी आई सी आई के कौन से चेक हैं अच्छा कैनरा बैंक के कौन से चेक हैं सारे सारे बैंक के चेक जो है आ जाते हैं ठीक है फिर बैंक का सिस्टम क्या रहता है अगर एच डी एफ सी में ही और एच डी एफ सी के चेक हैं ऐसा भी हो सकता है सोचो मेरा अकाउंट भी एसडीएफसी डी एफ सी में था आपका अकाउंट भी एसडीएफसी डी एफ सी में मैंने अपना चेक इश्यू करा और इसी अकाउंट में जो है गए तो बैंक क्या करेगा ये तो फटाफट चेक कर लेगा हाँ भाई वैभव जलान का अकाउंट नंबर फटाफट ओपन किया देखा हाँ उसमें एक लाख रुपए है और उन्होंने क्या किया मेरे एक लाख रुपए वहां से हटा दिए और लाल के अकाउंट में क्या कर दिए एक लाख रुपए जो है डाल दिए कंफर्टेबल है और कल को अगर दूसरा काउंट है तो इसका सिस्टम क्या रहता है बस मान के चलो कि भाई अब आई सी के मान लो पाँच या छ मान लीजिए चेक उनके पास आए मान लो एक ये चेक आया है तो ये आई के बैंक को कोऑर्डिनेट जो है करता है ये होता सारा वैसे डिजिटल है पर आपके लेवल पर समझ लेते हैं उन्होंने उनको फोन किया हाँ भाई तुम्हारे नाम का एक चेक जो है आ गया ऐसा होता नहीं सारा काम डिजिटल होता है आजकल क्या होता है स्कैन हो जाते हैं जैसे स्कैन होकर अपलोड होना शुरू हो जाता है पर आपके लेवल पर समझाने के लिए कि इन्होंने आईसीआई को फोन किया हाँ भाई आपके यहां पर कोई व्यवस्था नाम का जो है या मिस्टर एक्स नाम का एक चेक हमारे पास आया है एक लाख रुपए का यहां तो कर दिया फिर आई चेक करेगा कि क्या उनके बैंक का यह चेक है कि नहीं है फिर चेक करेगा मेरे बैंक अकाउंट में एक लाख रुपए है कि नहीं है और जैसी होगा तो आईसीआई मेरे अकाउंट से लाख रुपए माइनस कर देगा और एसडीएफ को इन्फॉर्म कर देगा हमने माइनस कर दी आप इस लैंड

कि मैंने आपको चेक दिया मैंने मान लीजिए चेक दिया लैंडलॉर्ड को चेक दिया और यहीं से सीधा वो बैंक में जा रहे हैं क्या ऐसा होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो मेरे को डिपेंड करता है अमाउंट कितना है जैसे कई बार क्या होता है अगर ये चेक मान लो पचास लाख का हो तो नॉर्मली पॉलिसी होती है फटाफट जो है जाते और अगर ये चेक पाँच का है तो कई बार ये भी पॉलिसी होती है पाँच हाँ चेक हैं हफ्ते में एक दिन जो है बैंक में जो है चले जाएंगे तो क्या जब आप बिजनेस करोगे तो समझ आएगा पर ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जैसे ही बैंक आ बैंक हमारे पास चेक आया और हम फटाफट बैंक जो है जा रहे क्योंकि बिजनेस के अंदर डेली चेक दुनिया जान के जो है आते मान लीजिए आपके चेक कुछ ऑनलाइन पेमेंट करें कुछ चेक में दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे ही चेक आया हम फटाफट जो है चले गए तुम्हारा तो, तो क्या रहता है नॉर्मली पॉलिसी है कि पांच सात चेक जब आ गए उसके बाद हमारे यहाँ से टीम का एक पर्सन जाएगा डिपॉजिट कर कर जो है आ जाएगा ठीक है जैसे ही पांच सात चेक इकट्ठे हो गए फिर हमारा पर्सन जाता है डिपॉजिट जो है कर कर आता है तो ही सोचे लाल को मैंने चेक इशू करा पर लाल अभी तक अभी तक गया ही नहीं तो आप सोच के बताओ क्या बैंक में क्या अमाउंट माइनस होगा माइनस जो है नहीं होगा इसलिए इसको क्या है एक डिफरेंस जो है ये मेरा आ गया और ऐसे ही दूसरा आपने मुझे चेक दिया आपने मुझे चेक दिया फीस का आपने मुझे चेक दिया फीस का अब मुझे क्या करना है मैं अपने बैंक में जाऊंगा और फीस का ये चेक है ये क्या करूंगा यहाँ पर डिपॉजिट जो है करूंगा डिपॉजिट होने के बाद क्या डिपॉजिट करते ही पैसा क्लियर हो जाएगा नहीं शाम को शाम को हमारा जो बंदा है स्टाफ मेंबर है वो आपके बैंक के मैनेजर से या अकाउंट के पर्सन से बात करेगा वहां पर कंफर्मेशन होगी कि आपका अकाउंट उस चेक में है कि नहीं है उतना पैसा है कि नहीं है फिर उसके बाद जो है आपके अकाउंट से पैसा माइनस माइनस मेरे अकाउंट में पैसा जो है ऐड हो जाएगा तो वही बात है चेक हमने डिपॉजिट कर दिया तो जैसे ही आपका चेक मैं डिपॉजिट करूंगा मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा मैं तो एंट्री सीधा सीधा पास करूंगा बैंक टू फी अकाउंट मान लीजिए बीस हजार का चेक आया तो मैंने कहा बैंक टू फी अकाउंट पर पासबुक में कब होगा जब तक ये चेक क्लियर जो है नहीं होगा लो जी आराम से चेक करें इसमें किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो आराम से चेक कर लें क्योंकि हम बहुत कंसेप्चुअल चल रहे हैं मेरी स्पीड बहुत नॉर्मल जो है चलती है क्योंकि ये शब्द समझ आ गए तो बी आर एस लाइफ लॉन्ग आपको जो है बना रहे कोई भी शब्द हमें रट्टा जो है नहीं माना तो हमने कहा जब भी चेक डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट में बैंक में कब होगा जब वो चेक क्लियर हो जाता है जब वो चेक क्लियर होगा तब बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ें ऐड जो, जो है होगी और मैंने कहा चेक अगर मैंने इशू करा पर जब तक लाइन लेकर ही नहीं गया तब तक मेरे अकाउंट से माइनस जो है नहीं होगा कंफर्टेबल चल रहा है चलो और आगे बढ़े लो जी सेकंड चेक करो हमने कहा फर्स्ट इज टाइमिंग डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस में ही सेकंड पार्ट होता ये टाइमिंग डिफरेंस ही है पर इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रांजेक्शन का टाइमिंग डिफरेंस और इसी को जो है नाम दिया है ट्रांजेक्शन का ऑनलाइन बच्चा पूछ रहा है सितंबर एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन कब होंगे बेटा इस समय पढ़ाई करते समय आपके डाउट पढ़ाई के रिलेटेड जो है होने चाहिए मैं इस समय कॉल सेंटर नहीं हूँ ठीक है कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं बी आर एस बच्चे की क्वेरी है सर सेप्टेम्बर एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है क्या इस समय आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है या बी आर एस इंपॉर्टेंट है ठीक है तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा मैं कहूंगा आप अब थोड़ा मेच्योर रहें जब मैं कहूँ डाउट है डाउट का मतलब बी आर एस डाउट है ठीक है अगर मैं कहूँ डाउट है तो डाउट का मतलब कोई जनरल डाउट नहीं है डाउट का मतलब क्या है बी आर एस से रिलेटेड डाउट जो है अपने को लेना जो है होगा ठीक है जी <coughs> और बच्चे क्या कह रहे हैं सेम बैंक हो तो पैसा उसी टाइम आ जाता है पर दूसरे बैंक में, तो है है, में, में, में चौबीस घंटे में, में जल्दी पैसा क्रेडिट हो जाता है क्यों क्योंकि आपके अकाउंट में फटाफट होते हैं और अगर दूसरे बैंक में है तो टाइम जो है लग जाता है ठीक है जी कंफर्टेबल है चलो तो भाई फिर नेक्स्ट लिखे ट्रांजेक्शन जी नेक्स्ट लिखे ट्रांजेक्शन कह रहे हैं सम ट्रांजेक्शंस सम ट्रांजेक्शंस आर कैर ये होता तो टाइमिंग डिफरेंस ही है पर इसको आईसआई ने एक अलग नाम जो है दिया ट्रांजेक्शन का कह रहे हैं सम ट्रांजेक्शन आर कैर आउट बाय बैंक इट सेल्फ सम ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट बाय बैंक इट्स सेल्फ विद आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग कस्टमर जैसे ऑनलाइन आपने मुझे चेक नहीं दिया ऑनलाइन ही पेमेंट जो है कर दी तो ऑनलाइन पेमेंट करी बैंक फटाफट ऑनलाइन जो है ऐड करता है मुझे फोन करके पता नहीं है कि सर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो जो डायरेक्टली पेमेंट हो जाती है बैंक क्या करता है उसको हमने ट्रांजेक्शन का नाम जो है दिया है कह रहे दीज ट्रांजेक्शन दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक और हम इसको रिकॉर्ड करेंगे मैं जब भी कैश बुक की बात करूं इसका मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक तो भाई दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक आफ्टर आफ्टर पासबुक इज अपडेटेड या बैंक स्टेटमेंट इज अपडेटेड तो सिस्टम क्या रहते हैं डेली शाम को हमारी जो टीम है वो क्या करती है बैंक स्टेटमेंट ओपन करती है और चेक कर लेते हैं किन किन की पेमेंट आई किन किन की पेमेंट आई फिर वो एडमिशन पोर्टल पर जाते हैं हाँ इनकी पेमेंट भी आ गई इनका एडमिशन भी कंफर्म हो गया फिर जनरल एंट्री पास करते हैं बैंक टू फी अकाउंट बैंक टू फी अकाउंट बैंक टू फी अकाउंट जो है होता चला जाता है तो हमने कहा यह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कब होगी जैसी पासबुक में इंफॉर्मेशन आती चली गई उसके हिसाब से हम रिकॉर्डिंग जो है करते हैं कितनी बार क्या होता है कुछ पेमेंट ऑनलाइन हमारी डायरेक्टली चले जाती है जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो क्या होता है डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट जो है चली जाती है कुछ हमारे सॉफ्टवेयर सारे काम जो है चलते हैं इसकी पेमेंट ऑनलाइन डायरेक्टली जो है चली जाती है तो बैंक ने डायरेक्टली जैसे ही महीना पूरा हुआ ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली चली गई मैंने शाम को देखा अच्छा दस हजार रुपये हमारे सॉफ्टवेयर के डिडक्ट जो है हो गए जैसे डिडक्ट हुए तो हमने कहा सॉफ्टवेयर टू बैंक अकाउंट जो है कर दिया बिजली का बिल मान लीजिए ऑनलाइन डायरेक्टली पेमेंट हो गई या प्रीमियम की पेमेंट हुई हम डायरेक्टली जैसे ही हमने चेक किया भी पेमेंट हो गई है फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग जो है कर लेते हैं तो लिखिए फॉर एग्जाम्पल आपके लेवल पर समझाने के लिए तो पहला इंटरेस्ट अलाउड इंटरेस्ट अलाउड या चार्ज बाय बैंक बैंक पीरियोडिकली मेरा जो बैलेंस होता है बैंक क्या करता है उस पर इंटरेस्ट खुद सॉल्व करके कैलकुलेट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर जो है कर देता है मुझे पता नहीं है पर अकाउंट ट्रांसफर जो है कर देता है ऐसे कल को मान लो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है या कुछ अगर बैंक ने मान लीजिए मैंने लोन लिया है या कुछ बैलेंस है उस पर क्या करता है बैंक कुछ चार्जेस जो है माइनस करता है मान लीजिए मैंने लॉकर भी लिया हुआ है आई हो आपको बताओ लॉकर एक चीज़ होती है तो लॉकर का रेंट होता है बैंक पीरियोटिकली अपने आप जो है माइनस जो है कर देता है तो कोई इंटरेस्ट बैंक को देना है कुछ चार्जेस बैंक को डिडक्ट करने ऑटोमेटिकली जो है कर देते हैं ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं डायरेक्ट पेमेंट जो आपने बात करी डायरेक्ट पेमेंट मेड ऑनलाइन आपने डायरेक्ट पेमेंट मेड या रिसीव्ड बाय बैंक हमने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी या डायरेक्ट पेमेंट हमारे बैंक में जो है आ गई तो ये क्या है ट्रांजेक्शन जो है आ जाती है ठीक है जी हमें लैपटॉप खरीदना था हमें लैपटॉप खरीदना था हम शोरूम में गए लैपटॉप में हम शोरूम में गए और शोरूम में लैपटॉप पसंद किया और वहीं पर उनका पेमेंट करो हमने क्रेडिट कार्ड दिया उससे पेमेंट करी या उसी समय ऑनलाइन हमने पेमेंट जो है कर दे तो जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ये बैंक डायरेक्टली काम कर देगा और फिर हम अपने ऑफिस जब आएंगे और देखेंगे पेमेंट कट गई है उसके बाद क्या करेंगे इसकी एंट्री जो है पास करेंगे कंफर्टेबल चल रहा है लो जी और ऐसे ही तीसरा लो जी और थर्ड चेक करें एरर्स और कई बार गलती मुझसे भी हो सकती है और बैंक से भी जो है हो सकती है पर यहां बात कर रहे हैं तो भाई लिख लें हमने कहा एरर्स मेड बाय कस्टमर और बैंक कई बार हमसे भी गलती हो जाती है रिकॉर्डिंग करने में कई बार बैंक से भी गलती जो है हो जाती है हमसे रिकॉर्डिंग करने में क्या गलती हो गई हमने चेक डिपॉजिट कर दिया हम लिखना ही भूल गए या हमें चेक डिपॉजिट करा रहा या हम जब फीस लिख रहे थे गलती से यहाँ बीस हजार की जगह हमसे दो हज़ार लिखा गया कैसी गलती हो सकती है हो जाती है लिखते समय गलती से यहाँ बीस का तीस हजार जो है लिखा गया अब मैंने क्या लिखा तीस हजार और एक्चुअल में कितना था बीस हजार डिफरेंस तो आएगा ही आएगा और कई बार ऐसे ही बैंक से भी होता है और ये तो बैंक से अगर हो जाए तो पूरी न्यूज ही बन जाती है ऐसा शायद कई बार सुना होगा कि मिस्टर राम के अकाउंट में एकदम से दस लाख रुपए जो है आ गए ऐसा कई बार जो है आप सुनते होंगे कई बार ऐसा हो जाता है कि राम के अकाउंट में जैसे चेक किया दस लाख रुपए एकदम से आ गए आधे घंटे के बाद गायब भी जो है हो गए तो ऐसा कई बार होता कम है बहुत रेयर केस में होता है पर बैंक भी क्या है भी एक बिजनेस चल रहा है सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर में भी कई बार वायरस जो है आ जाते है। और कई बार ये भी गलतियां जो है हो जाती है कि गलती से मेरे अकाउंट में पैसा ऐड हो गया या गलती से मेरे अकाउंट से पैसा माइनस हो गया ठीक है बहुत कम केस में होता है क्योंकि बैंक बहुत स्ट्रिक्ट चलता है पर वही वाली बात है सॉफ्टवेयर ही है प्रोग्राम में कभी भी गड़बड़ जो है हो सकती है आप खुद सोच के बताएं आपके नाम के लोग आपका जो भी नाम है क्या आपके नाम के लोग पूरी दुनिया में आप अकेले हैं या सेम नाम के और भी लोग हो सकते हैं हाँ जी सेम नाम के और लोग हो सकते नहीं हो सकते हो सकते मान लो अमन गुप्ता एक नाम है अमन गुप्ता नाम के लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में हो सकते हैं अब आप सोच के बताएं अमन गुप्ता ने एच बैंक में एक उन्होंने अकाउंट खोला तो आप सोच के बताओ एच बैंक में अमन गुप्ता नाम का एक ही कस्टमर होगा या बहुत सारे हो सकते हैं होने को हो सकते होने को तो बहुत सारे जो है हो सकते हैं. अब कई बार यहां गड़बड़ हो जाती अमन गुप्ता नाम के पचास कस्टमर हैं अमन गुप्ता नाम के पचास कस्टमर हैं और अमन गुप्ता इन्होंने चेक इशू करा था और बैंक से गलती से दूसरे अमन गुप्ता के अकाउंट में ट्रांसफर जो है हो गया होता बड़ा कम है क्यों इन सब का यूनिक अकाउंट नंबर होता है इसलिए अमन गुप्ता के नाम से क्रेडिट नहीं होता सबका एक यूनिक नंबर होता है अकाउंट नंबर से सारा काम जो है चलता है पर फिर मैंने कहा गलतियां होने को सॉफ्टवेयर कई बार गड़बड़ जो है हो सकती है तो एरर के चक्कर में ये डिफरेंस जो है आ सकता है तो मैं लिख लें फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय कस्टमर इन कैश बुक हमसे ही लिखने में गलती हो गई बीस हजार का चेक आया था लिखने में तीस हजार या दो हजार जो है हमारा हो गया ठीक है जी और दूसरा रॉन्ग चेक रॉन्ग चेक क्रेडिटेड रॉन्ग चेक क्रेडिटेड या डेबिटेड रॉन्ग चेक क्रेडिटेड या डेबिटेड बाय बैंक बैंक से भी गलती हो सकती है अमन गुप्ता एक चेक इश्यू करा और वो चेक किसी दूसरे अकाउंट में जो है चला गया तो भाई क्रेडिट बाय बैंक इन कस्टमर अकाउंट इन कस्टमर अकाउंट तो भाई इन कस्टमर अकाउंट ठीक है जी ठीक चल रहा है सारा अच्छे से कंफर्टेबल है लो जी फिर थोड़ा सा आगे जो है लिखते हैं हाँ जी फिर आगे जो है लिखते हैं कह रहे हैं बी आर एस इज प्रिपेयर बी आर एस इज प्रिपेयर आट टू स्टेजेस और बी आर एस दो स्टेजेस में जो है बनता है हमने कहा स्टेज वन स्टेज वन कह रहे हैं इनिशियल बी आर एस दो बी आर एस बनते हैं इनिशियल और फाइनल बी आर एस तो भाई इनिशियल बी आर एस कह रहे हैं इट इज प्राइंड इट इज प्रिपेयर टू फाइंड ऑल द डिफरेंसेज एंड एरर्स जो भी टाइमिंग डिफरेंस है ट्रांजेक्शन डिफरेंस है एरर्स है सारे के सारे एरर्स को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है इन कैश बुक एंड पासबुक तो भाई कैशबुक और पासबुक में जितने भी एरर्स हैं, टाइमिंग डिफरेंस है उन सबको रिकनसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं इनिशियल बीआरएस जो है बनाते हैं। और फिर आएगा स्टेज टू स्टेज टू फिर है जी फाइनल बीआरएस। फिर आएगा जी स्टेज टू फाइनल बीआरएस। तो भाई स्टेज टू पर जो है आ जाए फाइनल बीआरएस तो भाई फाइनल बीआरएस की अगर बात करें तो भाई चेक करें कह रहे दैट इज बी आर एस प्रिपेयर्ड बी आर एस आफ्टर एडजस्टिंग बी आर एस आफ्टर एडजस्टिंग ऑल ऑल एरर्स ऑफ कैश बुक अंडरलाइन करना कैश बुक पासबुक में अगर एरर है हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हम तो बैंक को ईमेल करके उनको इंटीमेट जो है करेंगे हम क्या करना कैश में कोई एरर आया उसको हम रेक्टिफाई करेंगे एंड रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बैंक ट्रांजैक्शंस और जो भी ट्रांजेक्शन थी मतलब क्या हुआ टाइमिंग डिफरेंस को छोड़कर ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे उसके बाद जो भी एरर्स है उसको हम रेक्टिफाई जो है हम कर लेंगे उसको हम रेक्टिफाई जो है कर लेंगे हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बैंक ट्रांजेक्शन ठीक है जी और फिर कह रहे हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल बी आर एस आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल बी आर एस और जब फिर फाइनल बी आर एस बन जाएगी फिर हमें क्या करना है इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज सेंट फिर हम बैंक को इन्फॉर्म करेंगे सेंट टू बैंक बैंक को इन्फॉर्म करेंगे बैंक भाई आपसे भी गलती हो गई टू रेक्टिफाई आपने गलत व्यक्ति का चेक मेरे अकाउंट में माइनस कर दिया या एड कर दिया बैंक टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स द मिस्टेक्स मेड बाय बैंक इसका मतलब हमने अपनी मिस्टेक को एडजस्ट कर दिया जितनी ट्रांजेक्शन थी जो ऑलरेडी हो गई थी मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी और उसके बाद बैंक की गलती है वो तो बैंक को इन्फॉर्म करना जो है पड़ेगा कंफर्टेबल है और लास्ट लाइन लिखे कह रहे हैं व्हेन when... लो जी वेन बुक्स आर क्लोज और ईयर एंड में जब बुक्स हम क्लोज करते हैं थर्टी फर्स्ट मार्च को हम जब बुक्स क्लोज करते हैं वेन बुक्स आर क्लोज कह रहे इट इज कंपल्सरी इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर फाइनल बी आर एस टू प्रिपेयर फाइनल बी आर एस ठीक है जी लो जी तो भाई दो बी आर एस जो है बनते हैं पहला बी आर एस कौन सा बनता है इनिशियल अभी जब सवाल करेंगे तो बात सारी समझ जो है आएगी तो हमने कहा दो बी आर एस बनाते हैं इनिशियल और फाइनल अभी ज्यादा समझ नहीं आएगा न्यूमेरिकल करने के बाद ये बात समझ जो है आएगी ठीक है जी तो भाई एक बार जल्दी से जितना पढ़ा उतना रिवाइज करते हैं उसके बाद फिर एक छोटा सा सवाल जो है अपने करेंगे ठीक है जी तो भाई आज की हमने क्लास शुरू करी मेरे पहले चैप्टर के साथ चैप्टर का नाम क्या है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है आइडली बिजनेसमैन मैन बैंक नहीं बनाता बिजनेसमैन जो है बनाएगा बिजनेसमैन जो है बी आर एस बनाता है और पर्पज़ क्या है रिकनसाइल करना है क्या रिकनसाइल करना है दो अकाउंट अलग हैं एक बैंक अकाउंट है और एक पासबुक है दोनों में अगर डिफरेंस है उसको रिकनसाइल करने के लिए हम क्या बनाते हैं बी आर एस जो है बनाते बी आर एस दो प्रकार से बनेगी एक इनिशियल जब बनाएंगे तो बात समझ आएगी और दूसरा क्या है फाइनल बी आर एस जो है बनता है अभी ये बात समझ जो है मैं कहूँगा अभी इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना पर हम का रीजन क्या क्या हो सकते हैं पहला हमने कहा टाइमिंग डिफरेंस जो है होता है उसमें दो ही चीजें मानकर चलें मैंने चेक डिपॉजिट करा आपने फीस का चेक दिया मैंने डिपॉजिट करा जैसे ही डिपॉजिट कर दूंगा मैं अपनी बुक में एंट्री क्या पास करूंगा बैंक अकाउंट टू फी अकाउंट जैसी आपने मुझे चेक दिया मैं बैंक में डिपॉजिट करते ही एंट्री क्या पास करूंगा बैंक अकाउंट टू फी अकाउंट पर बैंक को यह अमाउंट क्लियर करने में टाइम लगेगा जो आपको बताएं अगर मेरा अकाउंट और आपका अकाउंट सेम बैंक में हो सकता है हाफ एन आवर में वन आवर में हो जाए और अगर ये अकाउंट दूसरे बैंक में है तो हो सकता है एक दिन जो है लग जाए कई बार फॉरेन बैंक का भी होता है टाइम ज्यादा जो है लगता है इसलिए मैं इस पर जो है नहीं आ रहा सेम सिटी का है तो हो सकता है सेम स्टेट का हो सकता है डिफरेंट स्टेट का भी हो सकता है मुंबई से हमारे पास एक चेक जो है आ गया कई बार हो सकता है नेपाल से हमारे पास चेक जो है आया या दुबई से चेक जो है हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास जो है इंडिया से भी चेक आते हैं ऑनलाइन पेमेंट बाहर से भी जो है हमारे पास आती है बस मैंने कहा मोटा मोटी ये है कि जैसी चेक मैं डिपॉजिट करूंगा डिपॉजिट करती मैंने तो एंट्री पास करी क्लियर होने में हो सकता है एक दिन लगे दो दिन लगे तीन दिन लगे उस हम चर्चा जो है नहीं कर रहे दूसरा मैंने जैसी आपको चेक करा, को चेक इशू इशू करा करा को मैं तो उसी समय एंट्री पास कर दूंगा पर वही वाली बात है बैंक जब तक ये चेक लेकर नहीं जाएगा लाल जब तक चेक लेकर नहीं जाएगा तब तक बैंक को पता जो है नहीं चलेगा तो हमने कहा यह क्या है टाइमिंग डिफरेंस जो है हमारे रहते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन मतलब जो बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट जो है करते जा रहे तो जैसे डायरेक्टली जब पेमेंट होती जाती है तो हम क्या करते हैं हम शाम को जो है चेक करते दें जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट आज सारी हो रही है इवन मेरी भी कई स्टैंडिंग चार्जेस जो है होते मेरी कई सारी पेमेंट है जो हम कहते हैं पूछने की जरूरत जो है नहीं है जैसे हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है हमने बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन कर रखी है जिस दिन अमाउंट ड्यू हो जाए उसी दिन आप पेमेंट जो है कर देना हमने रेंट के लिए क्या है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है मतलब हमने इंस्ट्रक्शन बैंक को दे रखी है हर महीने लाल के अकाउंट में लाख रुपये जो है आप माइनस जो है कर देना तो ये सारा काम बैंक को पहले से हमने जो है पता रखा है जैसे आ, आपके घर में अगर आपने वो ओ जो होते हैं हो हो गया, Netflix हो गया, तो उसकी पेमेंट कैसे जाती है ऑटोमैटिकली है जाती होगी उसमें क्या हर महीने वो पूछता नहीं है हर महीने अकाउंट से माइनस जो है होती चली जाती है और उसके बाद तीसरा मैंने कहा फिर गलतियां हो सकती है रिकॉर्डिंग करते समय मुझसे गलती हो गई या बैंक से गलती जो है आपकी हो गई है लो जी आराम से चेक कर ले तसल्ली कर लें किसी को अब यहां तक कोई भी डाउट हो ठीक है जी कंफर्टेबल चल रहा है चलो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी बात जो है ठीक चल रही है लो जी तो भाई अब करते हैं पहला सवाल लो जी एग्जांपल नंबर वन बहुत अच्छे से करते जाना और टारगेट यही है जितना पढ़ाया बस आज उसको रिवाइज करते जाना और ये चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ पांच से दस नंबर आपके पक्के जो है हो जाएंगे लो जी तो एग्जाम्पल वन कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रिपेयर बी आर एस प्रिपेयर बी आर एस बिफोर एडजस्टिंग बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक कई बार ऐसे बोलेंगे प्रिपेयर बी आर एस बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक और इसी को हम क्या बोलते हैं प्रिपेयर इनिशियल बी आर एस मतलब कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करनी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग नहीं, नहीं करनी कोई एरर को नहीं देखना अभी हम इनिशियल बी आर एस जो है बनाएंगे सिर्फ एक बार रिकनसाइल जो है करना है तो अभी हमें कोई कैश बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड जो है नहीं करनी है तो फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर बी आर एस बिफोर एडजस्टिंग कैश बुक जिसमें हम कर रहे हैं केस वन कह रहे हैं टेकिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, आज बेस बी आर एस बनाने के भी दो तरीके हैं आप कैश बुक से शुरू करके पासबुक तक तो जा सकते हैं या दूसरा है केस टू टेकिंग बैलेंस आज पर पासबुक आज बेस या हम पासबुक से जो है चल सकते हैं सवाल ही पेपर में गिवन होगा कहाँ से शुरू करना है कैश बुक से शुरू करना है यहाँ पासबुक से शुरू जो है करना है लो जी तो भाई चेक करें छोटा सा सवाल पेपर में आएगा दस नंबर का ये सवाल जो है बनता है तो भाई शुरू किया कह रहे हैं डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस आज पर कैश बुक कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है इसका मतलब ये मेरे पास कैश है कि नहीं है है। मतलब ये मेरा एसेट है एसेट का क्या होता है डेबिट बैलेंस तो इसी को हम क्या बोलते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऐसा भी लिखा होगा या कई बार क्या लिखा होगा कह रहे हैं बैंक कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एक ही बात है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कहते हैं या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एक ही बात जो है रहेगी और मान लेते हैं कितने रुपए एक लाख रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में कैश बुक में बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में एक ही बात है उसमें डेबिट बैलेंस कितना आ रहा था एक लाख रुपए का जो है आ रहा था और ऐसे चेक करो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक के पासबुक में बैलेंस आ रहा है वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो इस बात को भी समझो मैंने कहा मेरा एसेट है आईसीआई बैंक में एक लाख रुपए वो मेरा क्या होगा डेबिट बैलेंस बैंक की बात करें तो बैंक ले मेरा पैसा क्या है उनका एसेट है लाइबिलिटी है उनके लिए लाइबिलिटी है तो कहेंगे वी आर लायबल टू पे वैभव जलान वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो वहां पर मेरा क्या चलेगा क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट ये पासबुक कौन बना रहा है बैंक बना रहा है तो बैंक मैं डेबिट करूंगा बैंक क्या करेगा क्रेडिट जो है करेगा मैंने पैसा जमा करा मैंने कहा मेरा एसेट है मैं डेबिट करता हूँ बैंक ने मेरा पैसा लिया तो बैंक क्या कहेगा लाइबिलिटी हमें वैभव ने पैसा दिया मुझे वापस करना कभी भी जो है पड़ सकता है तो मेरा डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक में ये क्या होगा क्रेडिट बैलेंस जो है ये मेरा जाएगा लो जी तो डिफरेंस एक लाख रुपए होना चाहिए और बैंक पासबुक क्या कह है।, है, है।, है तो अभी आपको सारे रीजन दे रखे दे दे लेवल बहुत अच्छे पर जाएंगे जहां पर आपको खुद ढूंढना भी जो है पड़ेगा तो पहले आपको ढूंढा तो कह रहे हैं, पता चला पहला रीजन कह रहे हैं चेक इशूड हमने एक चेक इशू करा किसको लैंडलॉर्ड को बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक बीस हजार इसका मतलब क्या हुआ मैंने लैंडलॉर्ड को चेक इश्यू करा तो मैंने तो उसकी एंट्री पास कर ली होगी रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट और मैंने अपने बुक में तो बीस हजार कम कर दिए होंगे मेरा बैलेंस क्या आ रहा है कम पर अभी तक लैंडलॉर्ड गए ही नहीं इसलिए पासबुक में बैलेंस क्या हुआ है बड़ा हुआ है तो जब लैंडलॉर्ड जाएंगे मेरा चेक लेके तब यहां से बीस हजार क्या होगा माइनस होगा इसलिए एक फर्क जो है आया कंफर्टेबल है अभी बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं ये रीजन आपको बता रखा है पर अभी देर बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे कि जहां पर आपको पासबुक गिवन होगी आपको जो है कैशबुक गिवन होगी आपको रीजन जो है ढूंढने होंगे वो शायद आपने स्कूल में जो है नहीं पढ़ा होगा ठीक है तो थोड़ा थोड़ा अच्छे लेवल का जो है पढ़ना है तो एक रीजन हमें पता चला कि हमने चेक इश्यू करा था हमने इसको एंट्री कर दी पर पासबुक में भी माइनस नहीं हुआ ऐसे चेक करो कह रहे हैं चेक डिपॉजिटेड आपने मुझे चेक दिया फीस का और मैंने डिपॉजिट करा इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड नॉट येट क्लियर पच्चीस हजार जैसी आपका चेक आया तो मैंने तो एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट टू फी अकाउंट और मैंने चेक क्या कर दिया डिपॉजिट कर दिया पर हो सकता है एक दिन एक घंटा या दो दिन या मे बी एक हफ्ता भी हो सकता है कि इसको क्लियर होने में टाइम जो है लग रहा है लो जी उसके बाद फिर नेक्स्ट चेक करो कह रहे हैं चेक्स चेक्स डायरेक्टली चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड चेक्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई अ कस्टमर एक एक लाइन को अब अच्छे से प्रैक्टिकली समझना इसका मतलब क्या है आपने फीस ऑनलाइन रात को बारह बजे जो है पे कर दी थी चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई ए कस्टमर इन बैंक अकाउंट इन बैंक चेक डायरेक्टली आपने बैंक में डिपॉजिट करा या मैंने कहा ऑनलाइन पेमेंट जो है आ गई तो बैंक के अंदर तो पैसा आ गया नॉट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक पर हमने अभी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी कितने चालीस हजार हमने इसकी रिकॉर्डिंग अभी नहीं करी कितने रुपए से चालीस हजार ऐसे ही फिर इंटरेस्ट बैंक मुझे मेरे पैसे पर क्या दे रहा है इंटरेस्ट दे रहा है भी मेरा पैसा बैंक में था मान लो एक लाख रुपए बैंक उसमें इंटरेस्ट दे रहा तो ध्यान से सोच के बताओ बैंक अपनी पासबुक में ये जो इंटरेस्ट का पैसा है बैंक अपनी बुक में एसेट दिखाएगा लाइब्रेरी दिखाएगा लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्यों बैंक कह रहा है इंटरेस्ट का पैसा व्यवसाय को देना है तो बैंक तो ये भी लाइबिलिटी है इसलिए इंटरेस्ट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा क्रेडिट तो भाई इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट करा क्रेडिट मतलब बैंक ने कहा हम आपको दस हजार का इंटरेस्ट भी देंगे तो बैंक ने कहा हमारी लाइबिलिटी है आपने पैसा जमा किया हम इंटरेस्ट भी जो है देंगे तो भाई क्रेडिटेड बाय बैंक कह रहे हैं नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो भाई पैसा इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया हमें अभी पता नहीं था <coughs> ऐसे ही नेक्स्ट कह रहे हैं बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस लेवीड बैंक चार्जेस लेवीड़। बैंक ने कुछ चार्जेस जो है लिए लॉकर रेंट का बैंक ने जो है चार्ज लिया तो लॉकर रेंट जब चार्ज किया तो बैंक क्या कहेगा डेबिट जो है करेगा वो कहेगा अब आपसे हमें पैसा इस बात का जो है लेना है डेबिटेड डेबिटेड बाय बैंक तो बैंक ने कुछ चार्जेस जो है मेरे स्टेटमेंट से डिडक्ट जो है कर दिए और वही मैंने लिखा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ये कितना हजार रुपए ये कितना हजार रुपए ठीक है जी उसके बाद फिर कह रही है पेमेंट पेमेंट मेड बाय चेक पेमेंट मेड बाय चेक हमने एक पेमेंट करी चेक से हमने पेमेंट करी कितने रुपए की ऑफ रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड सोलह हजार की पेमेंट हमने करी कह रहे एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक चेक हमने एक बार इश्यू करा पर हमारे अकाउंटेंट से गलती होगी दो बार उसकी रिकॉर्डिंग जो है कर दी दो बार रिकॉर्डिंग जो है कर दी वो उसने काम किया होगा मे बी रेंट टू बैंक अकाउंट किया होगा किसे बातें कर रहा होगा और बातचीतें भूल गया उसने फिर से रिकॉर्डिंग आप जो है कर दी है और ऐसे लास्ट कह रहे हैं बैंक क्रेडिटेड और बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया कितना बीस मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बीस इन एरर और ऐसे ही बैंक से भी गलती हो गई किसी और का चेक था किसी और का चेक था और गलती से मेरे अकाउंट में क्रेडिट जो है हो गया है ठीक है जी तो भाई किसी और का चेक था मेरे अकाउंट में क्रेडिट जो है हो गया है अगर ये पेपर में आएगा दस नंबर का सवाल जो है आता है और ये लॉटरी है मतलब दस नंबर का सवाल आएगा टेन ऑन टेन मान के चलता हूँ ये आपके जो है आ जाने चाहिए चलो जी शुरू करते हैं प्यारा सा सवाल तो भाई सेंटर में लिखते हैं आंसर टू एग्जाम्पल नंबर वन तो भाई नॉर्मली सेंटर में लिखा जाता है आंसर टू एग्जाम्पल नंबर वन आई होप आपने स्कूल में तो शायद ऐसे लिखते हो गए स्कूल में लेफ्ट कॉलम होता है और यहीं पर शायद आप आंसर वन आंसर टू जो है लिखते थे अब ये सिस्टम आपका नहीं रहेगा अब आपको सेंटर में लिखना होगा आंसर टू एग्जाम्पल नंबर वन ठीक है तो ये तैयारी करना स्कूल के अंदर जो लेफ्ट मार्जिन होता था उसमें आप सब कुछ लिखते थे आईसीआई की गाइडलाइंस है इस मार्जिन पे आपको कुछ भी नहीं लिखना ठीक है ये ध्यान रखना फाउंडेशन इंटर फाइनल लेफ्ट मार्जिन पे आपको कुछ भी लिखना अलाउड नहीं है ये आई से के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको यहाँ पर मार्क्स आपके जो है लिखने होते हैं चार नंबर छः नंबर दस नंबर इसलिए आपको जो भी लिखना है आपको इसमें जो है लिखना होगा एक बात तो ये है और एक परंपरा है हमेशा सेंटर में जो है हम लिखते हैं तो भाई आंसर टू एग्जाम्पल नंबर वन ठीक है इसकी भी आदत जो है कल ना पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं सारी चीजें जो है अपन सीखते जो है जाएंगे तो भाई आंसर आप आंसर टू एग्जाम्पल वन और लिखते हैं बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लो जी तो भाई चेक करें बैंक रिकंसिलियेशन स्टेटमेंट तो मेरा जो तरीका है मैं आपको वो बता देता हूँ अलग अलग तरीके स्कूल में आपने एक तरीके से किया होगा अच्छी बात है पर एक बार आप मेरा तरीका जो है एक बार चेक कर लेना और उसके बाद आपको जो पसंद आए आपको अपना स्कूल वाला तरीका पसंद आए वो कर लेना आपको मेरा तरीका पसंद आए वो जो है कर लेना तो एक बार स्कूल वाला तरीका छोड़कर आपको जो है मेरे तरीके से शुरू जो है करें हमारा केस वन केस वन हमें कहाँ से शुरू करना है केस वन कह रहे कैश बुक से शुरू जो है करना है तो कैश बुक से शुरू करें तो कैश बुक का बैलेंस क्या है वन लाख तो भाई कैश बुक से शुरू करना है कैश बुक का बैलेंस क्या है वन लाख हम शुरू करते हैं एक शब्द लेकर फेवरेबल एक परंपरा है फेवरेबल और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं डेबिट कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है फेवरेबल मेरा फायदा है मेरा एसेट है और अगर यहीं पर क्रेडिट होता तो अनफेवरेबल शब्द जो है आता बहुत सारे सवाल जो है करेंगे तो हमने कहा फेवरेबल या डेबिट बैलेंस आज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस आज पर कैश बुक कितने रुपए एक लाख रुपए ठीक है जी उसके बाद मैं करता क्या हूं ये जो सवाल है इस पूरे सवाल को एज इट इज मैं कॉपी जो है कर दूंगा एज इट इज कॉपी जो है करें बस ये पासबुक छोड़ देना नीचे कॉपी करना शुरू करें तो लिख लो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड तो भाई अब क्या करना है फटाफट से इसको कॉपी कर लो कह रहे हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितने रुपए हैं बीस हजार ऐसे ही नेक्स्ट सिंपल कॉपी करते जाओ फिर नेक्स्ट क्या है चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर पच्चीस हजार तो आपने कहा जी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर कितना पच्चीस हजार चुपचाप एज इट इज लिखना इसमें कोई दिमाग अपने यूज नहीं करेंगे फिर नेक्स्ट चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड चालीस हजार तो हमने कहा चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड हाँ जी कितना है चालीस हजार उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरा क्या है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेटेड पांच हजार हमने कहा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड कितना है पांच हजार ठीक है जी उसके बाद फिर आगे आ जाओ बैंक चार्जेज लेविड बाय बैंक हजार तो हमने कहा जी बैंक चार्जेज लेवीड बाय बैंक कितना है हजार ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट क्या है पेमेंट मेड बाय चेक एंटर्ड ट्वाइस पेमेंट मेड बाय चेक एंटर्ड ट्वाइस इसकी मैं वैल्यू लिखता नहीं इसको बाद में चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट मेरा क्या है बैंक क्रेडिटेड इन एरर बीस हजार तो हमने कहा जी बैंक क्रेडिट इन एरर बीस हजार बैंक क्रेडिटेड इन एरर बीस हजार ठीक है जी तो भाई आपने शायद स्कूल में सीखा होगा एक एक एंट्री आप शायद पढ़ते थे उसमें प्लस माइनस करते थे वो बहुत टाइम वेस्ट जो है होता है सिस्टम क्या होना चाहिए आपने सारा काम जो है किया तो इस समय प्रैक्टिकली क्योंकि पेपर में तीन घंटे का आपका जो पेपर होता है ना उसको भी अटेम्प्ट करने का तरीका आपको समझ जो है आना चाहिए आपने कभी भी अनुभव किया हो पेपर में जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम भी दिए होंगे तो पहले एक घंटा सवा घंटा डेढ़ घंटा आपका ब्रेन क्या रहता है पूरा एक्टिव रहता है पर उसके बाद डेढ़ घंटे के बाद आपकी क्या होती है एफिशिएंसी कम होनी जो है शुरू होती है और आखिरी का आधा घंटा एक घंटा बस आप लिख रहे होते हो पर दिमाग ज्यादा जो है काम नहीं कर रहा होता ऐसा होता है कि नहीं होता होता है इसलिए पेपर करने का भी एक तरीका जो है होता है अगर आप अपने ब्रेन को नॉन स्टॉप अगर आप अपने ब्रेन को यूज़ करोगे एक घंटे के बाद वो थक जाएगा इसलिए हम पेपर किस तरीके से अटैम करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए और सिस्टम क्या है कि हम ब्रेन को साथ साथ जो है ना रिलैक्स भी जो है करेंगे तो होता क्या है आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन जब पढ़ा तो इस समय मैंने कहा अभी मेरे को कोई दिमाग नहीं लगाना तो दो चार पाँच मिनट मैंने क्या किया सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन क्या हो गया पूरा रिलैक्स हो गया मैंने कुछ सोचा नहीं सिंपल कॉपी किया और अब एक साथ में क्या करूंगा दो तीन मिनट लगाऊंगा अब ब्रेन पर प्रेशर डालेंगे सोचना शुरू करेंगे प्लस करना है या माइनस करना है क्या बात समझ आती है ये हम करेंगे फिर ब्रेन को कहूंगा बस अब एक बार काम हो गया फिर कैलकुलेटर प्लस माइनस जो है करेंगे तुम्हारा ना हर चैप्टर में इसको समझना है कब कैसे क्या काम जो है करना है अगर आपने एक एक ट्रांजेक्शन को लिखकर सोचना शुरू करा तो बैंक आपका ब्रेन जो है ना वो कभी भी उसको रिलैक्सेशन जो है नहीं मिलेगा तो बहुत साइंटिफिक तरीके से जो है हम पढ़ रहे हैं तो हमें अकाउंट्स भी पढ़ना है पर हमें अकाउंट्स कैसे पढ़ना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना सब चर्चा जो है हम करेंगे ठीक है तो जब ये सारा काम लिखा इस समय मैंने अपने ब्रेन को ज्यादा यूज जो है नहीं किया सिंपल कॉपी करना था क्वेश्चन पेपर है मैंने अपना नोट डाउन जो है कर दिया और अब चेक करें अब स्टोरी क्या है मेरे को कैश बुक से जाना है कहाँ तक जाना है पासबुक तक जो है जाना है कैश बुक से पासबुक तक जो है जाना है और इस बात को भी समझें भाई कैश बुक का अकाउंट कितना है एक लाख पासबुक का कितना है एक पचहत्तर आई दोनों अकाउंट क्या होने चाहिए थे सेम होने चाहिए थे आई दोनों अकाउंट क्या होने चाहिए थे सेम होने चाहिए थे दोनों में डिफरेंस जो है आ रहा है दोनों में डिफरेंस जो है आ रहा है और आपने जितना मुझे पता है स्कूल में ये कैसे सवाल करते थे शायद आप ऐसे दो हाथ जो है कर लेते हो ऐसे कुछ करते थे उसके बाद क्या होता था एक कम कर दिया एक बढ़ा दिया एक बढ़ा दिया एक कम कर दिया और उसके बाद यही भूल जाते थे आपने ऐसे कर तो दिया अब इसको बढ़ाना है या इसको कम करना है ये दिक्कत आती थी नहीं आती थी आती थी यहां तक करते थे सेम बैलेंस है इसको नीचे कर दिया उसके बाद यही कंफ्यूज हो गए अब करना क्या है इसको ऊपर करना है या इसको नीचे जो है करना है एक ये दिक्कत स्कूल में आपको जो है आती थी इसलिए एक तरीका अब जो है समझना है तुम्हारा तो सिस्टम क्या रहता है अब पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना कि भाई आइडली आइडियली दोनों बैलेंस क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए मैं जहाँ से शुरू करूँगा मैंने शुरू कहाँ से करा कैश बुक से शुरू जो है करा अब दिक्कत वही है इसमें से कौन सा हैंड कैश बुक है कौन सा हैंड पासबुक है इसमें भी अननेसेसरी आप अपना दिमाग जो है यूज़ कर हो मेरा दिमाग इन चीज़ों में यूज मैं नहीं करूँगा तो मेरा बड़ा सिंपल सा काम है मैंने कहा एक को कैश बुक बनाना है एक को पासबुक बनाना है मैंने कैश बुक को सी बना दिया अब मेरे को अच्छे से क्लियर है अब मेरे को सोचना नहीं कौन सा हैंड कैश बुक है या पासबुक है कंफर्टेबल है तो ये मेरा क्या है कैश बुक है तो मैंने कैश बुक से मुझे शुरू करना है ये मेरा कैश बुक है जहाँ से शुरू करेंगे कैश बुक से मैंने शुरू करा और अब ये मेरा मूविंग हैंड हमेशा जो है रहेगा प्लस माइनस जो है करेंगे तो अब आप चेक करें मैंने कहा दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए थे कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए था सेम होना चाहिए था अब चेक करो पहला पॉइंट चेक इशूड आप भी भी साथ साथ में में ऐसे ऐसे कर लो आप भी साथ में ऐसे करते जाओ तो आप चेक करें बताओ चेक इशू करा जब चेक इशू करा पर ये प्रेजेंट नहीं हुआ जैसे चेक इशू करूंगा मेरा कौन सा बैलेंस कम होगा yes, कैश बुक का नीचे कर दिया तो भी चेक इशू मैंने आपका नीचे किया होगा अभी प्रेजेंट नहीं हुआ अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस यहीं पर है ठीक है अब मुझे इसको मिलाना है यही मेरा मूविंग हैंड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर जो है लाना है मैंने सिंपल से यहां पर लिख दिया एड सिंपल सा काम जो है रहता है फिर चेक करो दोनों बैलेंस सेम थे अब आराम से चेक इशू करा चेक इशू का मतलब मैंने अपना कैश बुक का बैलेंस कम करा क्योंकि मैंने एंट्री पास कर दी रेंट अकाउंट टू तो बैंक अकाउंट पर अभी प्रेजेंट नहीं हुआ अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस अभी भी है मेरे को मिलाना है तो इसको वापस ऊपर लेकर आऊंगा ये क्या हो गया एड जो है हो जाएगा ऐसे नेक्स्ट चेक करो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर चेक जैसे डिपॉजिट करूंगा कहाँ एंट्री पास करूंगा कैश बुक में मैंने कहा बैंक अकाउंट टू फी अकाउंट ये मेरा बढ़ गया पर अभी क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक अभी भी यहीं पर है दिस इज माई मूविंग हैंड मुझे क्या करना है नीचे जो है करना है मैंने यहाँ पे क्या लिखा लेस जो है लिखा ठीक है जी यहाँ पर लेस लिखा और यहां मैंने ब्रैकेट भी जो है लगा दिया इससे ज्यादा मेरे को बिल्कुल जो है नहीं सोचना फिर चेक करो ध्यान से देखो चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक ऑनलाइन पेमेंट आ गई कहां पर एंट्री हुई पासबुक में हो गई पर मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं करा मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं करा ये मेरा मूविंग हैंड क्या करना है मैच करने के लिए ऐड ऊपर लेकर जो है आना है इसको मुझे क्या करना है ऐड जो है करना है ठीक है जी फिर चेक करो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बैंक ने इंटरेस्ट दिया है इसका बैंक ने इंटरेस्ट ऐड करा या लेस करा ऐड बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया ये बढ़ गया है और अब मुझे क्या करना है हाँ जी ऐड जो है करना है सिंपल सिंपल, सिंपल सा काम मुझे क्या करना है एड जो है करना है फिर चेक करो बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक बैंक ने चार्जेस काट लिए तो बैंक ने क्या किया माइनस कर दिया बैंक ने क्या कर दिया माइनस कर दिया ये मेरा कैश बुक है मैंने भी इसकी एंट्री पास नहीं करी मुझे क्या करना है लेस जो है करना है मैंने इसको क्या करा लेस जो है मुझे करना है कंफर्टेबल है लो जी ऐसे ही चेक करो पेमेंट मेड बाय चेक इसको एक बार छोड़ देता हूं नीचे आ जाओ बैंक क्रेडिट इन एरर बैंक ने क्या कर दिया गलती से मेरा अकाउंट बढ़ाया कम किया बढ़ा दिया क्रेडिट कर दिया बढ़ा दिया ये मेरा मूविंग हैंड है मुझे क्या करना है एड जो है मुझे जो है करना है क्या बात समझ आती है तो ना बड़ा सिंपल सा काम है और तभी सीए का पेपर लेंदी नहीं आता आपको तरीका पता होना चाहिए पेपर कैसे अटेम्प करना है इसलिए पहले दो मिनट में कॉपी किया और इसके बाद जब मैंने सोचना शुरू करा ना ये दो बड़े काम होता है और स्कूल में शायद करते थे एक स्टेटमेंट लिखी फिर सोचते थे फिर एडलेस करते फिर दूसरे में लिखते वो बहुत लेंदी जो है होता लेंदी भी होता था टायरिंग भी जो है होता था क्या बात क्लियर है और लास्ट चेक करो पेमेंट मेड बाय चेक एंटर्ड ट्वाइस इस बात को समझो दोनों बैलेंस सेम था पेमेंट मेड बाय चेक हमने चेक से पेमेंट करी एंटर्ड ट्वाइस कहां पर कैश बुक किया तो मैंने किया क्या मैंने 16000 की पेमेंट करी मेरा ऊपर अमाउंट कितना है हाँ जी 16000 की पेमेंट जो है हमने करी तो मैंने कहा मैंने 16000 की पेमेंट करी एक बार और मैंने गलती से फिर से लिख दिया कि 16000 की पेमेंट हुई तो एक बार थी पर गलती से दो बार लिखा गया इंसान गलतियां जो है हो जाती है तो मैंने क्या किया मैंने रेंट टू बैंक किया 16000 माइनस करे गलती से लंच हो गया था लंच करने चला गया फिर से आया फिर से रिकॉर्डिंग कर दी रेंट टू बैंक मैंने फिर से जो है माइनस कर दिया पर बताओ पासबुक से माइनस कितनी बार होगा एक बार, क्या बार है तो का दोनों बैलेंस सेम होने थे मैंने 16 एक और एक दो बार माइनस करा पासबुक से तो एक बार माइनस हुआ तो कितने का आ रहा है सोलह हजार का पहली बार तो सोलह सोलह क्योंकि यहां पे कई बार होता है एंटरथ्राइज भी हो जाता है सब कुछ अपने जो है, पढ़ेंगे तो शुरुआत है। तो अब चेक करो। मैंने दो बार लिखा एक और दे पासबुक में एक बार कम हुआ डिफरेंस कितना है सोलह का मुझे क्या करना है जी ये नीचे है ऊपर लेकर आना है मुझे क्या करना है एड जो है करना है दस नंबर का ये सवाल आता है में। इस लेवल का ही पेपर में सवाल आता है ये अगर आ गया टेन ऑन टेन आपके बड़े मस्त जो है हो जाते हैं और अब चेक करो यहाँ पे लेस था ब्रैकेट लगा दिया एड एड यहाँ पे लेस आपका था ब्रैकेट लगा दिया अब मुझे सारा काम कैलकुलेटर पर करना है आई होप आपको पता होगा पेपर में कैलकुलेटर अब अलाउड है तो भाई वन लाख प्लस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस फाइव थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड प्लस सोलह हजार प्लस बीस हजार तो भाई ये कितना आ रहा है वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये कौन सा बैलेंस है पासबुक का तो इसको हम क्या लिखते हैं फेवरेबल पासबुक में मेरा फेवरेबल बैलेंस है और पासबुक में फेवरेबल कौन सा होगा क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस आज पर पासबुक आज पर पासबुक ठीक है जी कंफर्टेबल चल रहा है तो भी आज थोड़ा सा ओवरव्यू जो है लिया है और आज का होमवर्क क्या है सिर्फ इतना ही जो है पढ़ना है ठीक है सिर्फ इतना ही जो है पढ़ना है धीरे धीरे कल जो है और आगे जो है बढ़ेंगे बस एक चीज़ जो मैंने कहा आज की प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी और प्लानिंग क्या करनी आज जितना पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ना है और उसके बाद जितना आपको <coughs> जितना आपको टाइम मिले उतना इंजॉय जो है करना है और खबरदार किसी ने कोई भी किताब खोल ली ठीक है हमने भी आपको किताबें दे दी हैं कोरे वालों के पास पहुंच जाएगी ना तो मेरी किताब ना आईसेगा मटेरियल कुछ भी आपको जो है नहीं खोलना है मैं आपको सब बता दूंगा कौन सा सवाल कब जो है कर रहे हैं आज सिर्फ इतना सा काम है जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ उतना अच्छे से रिवाइज करना है याद करना है समझना है पहले मैं आपको सारे सवाल क्लास में कराऊंगा जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं आपको किताब के सवाल होमवर्क जो है देना शुरू करूंगा तो भाई यहां पर स्टोरी वही है जैसे मैं कहता जाऊं वैसे जो है आपको करना होगा ठीक है चलो तो आज की क्लास फिर यहीं पर जो है खत्म करते हैं थैंक यू सो मच स्माइलिंग ओके टाटा बाय बाय